हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। हम इस कहानी में देखते हैं, तभी उस होटल का मैनेजर का कॉल आता है कि कोई वीआईपी गेस्ट वहाँ पर रहने के लिए आने वाले हैं। वहाँ के सभी इम्प्लॉय लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा मेल लीड का एंट्री होता है, जिसका नाम चैंग रहता है। चैंग बहुत ज्यादा रूड और एरोगेंट था, वो कभी भी स्माइल नहीं करता था। छोटी सी उम्र में बहुत ज्यादा अचीवमेंट कर लिया था, वो बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ अभी है। फिर हम देखते हैं वेग, जो बहुत बड़ा ढक्कन है, ये भी बहुत बड़ा कंपनी का सीईओ है और ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता, दिन भर गेम खेलते रहता है। उसे संभालती है सेक्रेटरी ली, जो हमारा फीमेल लीड है। कुछ रीजन की वजह से उसे सेक्रेटरी का काम करना पड़ता है, पर वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। सबके सामने तो दिखाते हैं कि वो उस कंपनी का मालिक है, पर वो एक्चुअली में सेक्रेटरी ली का ही सारा ऑर्डर मानता है। वो लोग वहाँ पर मीटिंग अटेंड करने आए थे। ली उसे सब कुछ समझाती है, कैसे बिहेव करना है, कैसे ड्रेसअप करना है। तो वो लोग मीटिंग वाला रूम में जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं, इन्वेस्टर्स अच्छे से बात बात करने लगते हैं। तभी ली को कॉल आता है, वो बात करते करते बाहर चली जाती है। वहाँ पे सामान लेने के लिए चैंग भी वहाँ आया हुआ था। वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, पर वो एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। कुछ देर बाद ली को बाई का कॉल आता है और कहता है कि मीटिंग रूम में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तुम वहाँ पर आ जाओ। जब मीटिंग में पहुँचती है तो उसे बाई बताता है कि अब तक तो सब ठीक चल रहा था, ये जो एरोगेंट आया ना, इसने सारा प्लान बर्बाद कर दिया है। ली जब देखती है और चैंग है तो अंदर जाना नहीं चाहती है, पर वे उसे जबरदस्ती घींच के लेकर अंदर चले जाता है। वो डरते डरते उनके सामने बैठती है, वो कॉफी गलती से एक्सचेंज हो जाता है। थोड़ा देर बाद चैंग और ली दोनों ये बात को नोटिस करते हैं। जैसे तैसे ली इस मीटिंग को कंप्लीट करती है। बेई डर के मारे तो बाथरूम में अपने आप को लॉक कर देता है। ली उसे बार बार पूछी जा रही थी बात क्या हुआ है, तो वेंग उसे कहता है तो चैंग को पहले से पता था कि हमारी कंपनी का ग्राफ जो डाउन हो रहा है, यह टॉपिक बीच में ला दिया, मैं इस बात को संभाल नहीं पाया। बहुत ज्यादा डरपोक था, वो अपना दो दिन का सामान पैक कर वहाँ से जाने लगा था। मतलब बहन अब मुझसे नहीं हो पाएगा, यह सब तुम संभाल लेना। वो वहाँ से चले जाता है। देखते हैं कि ली चीन से किस तरह पहले से ही जानती है। वो फेसबुक में दिखाया जाता है कि चीन वही खरोज प्रोफेसर है जो लिन को पढ़ाया करता था इकोनॉमिक्स। कुछ रीजन की वजह से वो अपने एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। सेकेंड टाइम चैंग उसको एग्जाम देने भी नहीं दिया था। अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपना फ्रेंड जिंग को कॉल करती है। वो उसको सारा बात बताती है, उसे एडवाइस देती है, तुम दो दिन के लिए इनको जेल में रखवा, सारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, मर्जर हो जाएगा, फिर उसे जेल से निकलवा देना। ये कोई सही नहीं लग रहा था, पर उसे कोई आइडिया खास आ भी नहीं रहा था। जब वो नीचे पार्किंग लॉट में जाती है, तभी वो चैंग को कहीं जाते हुए देखती है। वो उसे फॉलो करती रहती है, साथ में चैंग भी थी। तभी चैंग को लगता है कोई उसे फॉलो करता है, वो बाहर निकल कर देखता है, आधे रास्ते से ही चले आता है। वो लीन को देख लिया था कि नहीं, तो पार्ट वन में हम लोग को नहीं बताया है, आगे हम लोग को पता चल जाएगा। तभी चैंग को एक ट्रक से बहुत बड़ा वाला एक्सीडेंट हो जाता है। लीन जल्दी से निकल कर देखती है, उसे हॉस्पिटल इमिडिएटली लेकर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही एक होटल में मस्ती से बैठकर डिनर कर रहा था, अपना एक्स गर्लफ्रेंड को मैसेज करता है। कोइंसिडेंटली उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी न्यू बॉयफ्रेंड के साथ उसी होटल में आई थी। वो वही के बारे में बुराई करते हुए जा रही थी। जब वो सुनता है तो उसका न्यू बॉयफ्रेंड के साथ फाइट करने लगता है। उनके जो डॉक्टर तो ली को बताते को फिजिकली तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा चोट नहीं लगा है, बोन्स फ्रैक्चर ही हुए हैं, उसके ब्रेन पे बहुत गहरा वाला चोट लगा है। उसको होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि उसका कंडीशन कैसा है। लीन चैंग का ख्याल रखते रखते ही उसके पास सो जाती है। नेक्स्ट डे बहुत बुरा वाला सपना के साथ नींद खुलता है और वो चैंग को देखता है जो उसको होश आ रहा था। इंटरेस्टिंग तो ये था कि चैंग को कुछ भी याद नहीं था, उसे तो अपना नाम तक भी याद नहीं था। ली को सताने वाला दिमाग में कुछ आइडिया आता है, तो बस अपना कंपनी को मर्जर करवाना था। उसे चैंग को अपना ओरिजिनल नाम बताती है। चैंग उसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो लीन उसे झूठ बोलती कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हारे पर ख्याल रख रही हूँ। प्यारा चैंग उसका मेमोरी लॉस होने की वजह से उस पर ट्रस्ट कर लेता है। एक दो दिन सिक्योरिटी का कॉल चैंग को नहीं लगता है, तो सिक्योरिटी परेशान हो जाता है। फिर उसे फ्लैशबैक वाला बात याद आता है, चैंग बोला था अगर तुम मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाओगे तो तुम इसमें से एक एनवलप खोलकर देख लेना, उसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाओ तो पुलिस को इन्फॉर्म मत करना, तुम आसपास देखना, हॉस्पिटल में कांटेक्ट करने की कोशिश करना। एक्चुअल में रीजन ये था, चैंग और उसका बिजनेस पार्टनर वो हाओ, दोनों का रिलेशन कुछ ठीक नहीं था। जो था उस कंपनी का पैसे चोरी कर रहा था, यह बात चैंग को पता था। वो वार्न किया था, पर तब वो चैंग का बात नहीं सुनता है। इसी बात को लेकर दोनों में आर्गुमेंट हुआ था। चैंग के एक्सीडेंट में मोहो का रिस्पॉन्स रही है, तो हमें आगे स्टोरी में ही पता चलेगा। मॉर्निंग में एक्सीडेंट के बाद उनका डिटेल लेने के लिए पुलिस ऑफिसर आते हैं एक्सीडेंट के बारे में। कुछ बताती है तो बोलते कि तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा। चैंग को बोलता है तुम यहीं पर रुको, मैं थोड़ा देर में आती हूँ। इसी तरह वे भी उन दोनों के साथ पुलिस स्टेशन में ही था। दोनों के बीच में फाइटिंग जो हुआ था, फिर वो दोनों एक दूसरे से
डर नहीं लगते हैं। लिए एक्सीडेंट के बारे में जानना चाहती थी पर पुलिस ऑफिसर से कुछ डिटेल अच्छे से देता नहीं है। पुलिस ऑफिसर को बोलती है जो एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा तो होगा, वहाँ वो वाला लेने के लिए उसको बोलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वही उसके बॉयफ्रेंड से लड़ रहा था। वहाँ पे लीन आ जाती है। लीन आने के बाद वो वहाँ तो वेट तुरंत चेंज हो जाता है क्योंकि उसको पता था कि ली उसे बचा लेगी। पुलिस ऑफिसर से बात करती है। उन दोनों के बीच में कोई कंप्लेन नहीं होता है, उन दोनों कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है और उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप भी हो जाता है जो बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था। फिर हम देखते हैं कि जो चेन का एक्सीडेंट किया था और ट्रक ड्राइवर, उसे मिलने के लिए एक आदमी आता है। उसे किसी ने भेजा था। बात फुसला उसके घर में ब्लास्ट कर उसे मार देता है और खुद बाहर निकल जाता है। चेंग इतना क्यूटली बिहेवियर कर रहा था, उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि कोई पहले रूड एरोगेंटली बॉस था। पानी पीने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। लीन ये सब देखकर बहुत हंस रही थी। फिर वो लीन याद करती कि उसे चेंग ने कितना परेशान किया था पहले। वो अपना मॉम का ख्याल रखने में यूनिवर्सिटी का भी स्टडी अच्छे से वो नहीं कर पाई थी, इसीलिए वो फेल हो गई थी। वो कितना ज्यादा चेंग को कन्विंस करने की कोशिश की थी पर वो नहीं तो नहीं कन्विंस हुआ था। एरोगेंट जो था उसे दोबारा टेस्ट देने के लिए नहीं दिया, जिसकी वजह से वो बॉस नहीं पाए, उसे असिस्टेंट का ही काम करना पड़ा। ली चेंग से बातें करती रहती है तो चेंग पूछता है जब मैं प्रोफेसर था तो मेरा बिहेवियर कैसा था। लीन बोलती है तुम सबके लिए तो बहुत खरुश थे तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्वीट थे। मैं तुम्हारी फियांसी हूं इसलिए मैं तुम्हें बहुत क्यूट लगती थी। वो अपने बारे में बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है चेन के सामने। दोनों बात करते रहते तभी उसके बीच में वही का कॉल आ जाता है। वो वही से बातें करते करते बाहर चली जाती है। वही को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर रही थी। ये सब सुन के चेंग को जेलस फील हो रहा था। चेंग लीन से बोलता है तुम मेरे सामने दूसरे बंदे को इतना तारीफ क्यों कर रही हो। लीन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा छोटे भाई की तरह और वो मेरा बॉस भी तो है, इसलिए मैं उसे अच्छे से ट्रीट करती हूँ। तब चेन बोलता है कि तुम जॉब छोड़ क्यों नहीं देती हो। लीन बोलती है तो मुझे संभाले कौन, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कौन करेगा। फिर चेन बोलता है क्यों मैं ये नहीं कर सकता हूँ। लीन यहाँ पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो वहाँ पे उसको सुलाकर बाहर चली जाती है। फिर हम देखते जिस बंदे को ट्रक ड्राइवर को मारा था ना, वो चेन को ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल भी पहुंच जाता है। वो चेन वाला रूम खोलने जाता है, वही बदमाश आदमी चेन को ढूंढते हुए हॉस्पिटल में आ जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लीन चेंग को आराम करने को कहकर वो वहाँ से बिल पेमेंट करने के लिए चली जाती है और रास्ते में सोचती है वैसे भी बे से बात हो ही गया है और कॉन्ट्रैक्ट साइन भी हो गया है, बस रात भर उसके साथ ही रहना है और नेक्स्ट मॉर्निंग गायब हो जाना है। यह सब सोच के वो वहाँ से वापस आती है तभी वही आदमी से वो टकरा जाती है। लीन को थोड़ा शक होता है पर वो उतना ध्यान नहीं देती है। जब वो वापस आती है तो देखती है सभी नर्स का ग्रुप बनाकर बातें कर रहे थे, रूम का एक पेशेंट है सीढ़ी से गिर गया है। लीन पूरा घबरा जाती है, वो भागती भागती जाती है लीन को देखने के लिए। वह सोचती है कि फिर तो नहीं चेंग पर कोई अटैक कर दिया है। वह लिफ्ट में देखती है जो चेंग के साथ पेशेंट था ना, वह पूरी तरह से घायल रहता है। वह डर जाती है, चारों तरफ देखती है, वार्ड में भी देखती है पर चेंग वहाँ नहीं था। तभी आसपास देखती है तभी चेंग उसे दिखाई देता है। वो पूछती तुम कहाँ गए थे तो चेंग बोलता है मैं वॉशरूम चले गया था। लीन चेंग को पकड़ कर जल्दी जल्दी वहाँ से जाती है, उसे वार्ड में लेकर जाती है और पूछती है। चेंग बोलता है इसलिए मैंने उसे अपना बेड दे दिया और मैं वॉशरूम चले गया, जब आया तो मैंने ये सब देखा। तभी उसे वही आदमी याद आता है और उस आउट भी करने लगती है और वो कंफर्म हो जाती है कि वही आदमी है जो चेंग पर अटैक करने के लिए वही आदमी आया है। लिंग उसे बचाने के लिए उसे नेक्स्ट मॉर्निंग में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराती है। तो होटल में कॉल करके भी कहती है चेंग का सारा सामान उसके रूम में शिफ्ट करने के लिए कहती है कि वो दोनों फियांसी है ना। स्टाफ तो कन्फ्यूज होता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही वो वही के साथ आई थी तो उन लोगों का लगा था वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। फिर स्टाफ लोग उसके रूम को स्पेशल वाला हनीमून वाला डेकोरेट करते हैं। जो चेंग का सिक्योरिटी रहता है वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल आता है चेक करने के लिए। तभी वो वही बंदा से मिलता है, उसे लगता है कि कोई एजेंट है, उसे जबरदस्ती चेंग को खोजने को कहता है जिस पर वो उस पर पंच मारता है। वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, बदमाश आदमी वहां से चले जाता है। कितना बड़ा ढक्कन है जो उसको मारने है, उसे हेल्प मांग रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग में चेंग डिस्चार्ज हो जाता है। उसे तो ड्रेस चेंज करना था, लीन उसके लिए न्यू ड्रेस लाई थी पर उसे तो हाथ में चोट लगा था कि वजह से वो चेंज नहीं कर पा रहा था। लीन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको मजबूरी में ड्रेस चेंज करना ही पड़ता है। वो दोनों कुछ ज्यादा ही एक दूसरे क्लोज आ जाते हैं। चेंग प्यार से लीन को फेस टच करता है और कहता है मुझे तो याद नहीं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता था पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो, जिस तरह तुम्हें ध्यान रख रही हो। यह सब बात सुनकर लीन जल्दी जल्दी उसका ड्रेस चेंज करती है। हम देखते हैं सिक्योरिटी को हॉस्पिटल में आँख खुलता है,
वो जल्दी जल्दी सेकेंड एनवलप भी खोलता है चेंग का दिया हुआ। उस एनवलप में जो लिखा था उसे फॉलो करना था। उसे तो बिल्कुल भी मन नहीं था, पर वो ईमानदार सिक्योरिटी था ना, तो उसे फॉलो इसलिए तो करना ही था। वह बदमाश आदमी चेंग का तो फेस नहीं देखा था, उसे तो लगता था कि उसका टास्क कंप्लीट हो गया है, पर न्यूज में चेंग का फोटो देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो अपना वाला एनवलप खोलता है, जब उसका चेंग का फेस देखता है तो कन्फर्म हो जाता है जिसको उसने मारा है वो चेंग नहीं था, गलत आदमी को मार दिया है। वो अपना काम पे लग जाता है और एक हैकर को कहकर चेंग के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन उसे होटल लेकर जाती रहती है। चेंग उसका शोल्डर पर प्यार से ही सर रख के सोया था। थोड़ा देर बाद जब वो चेंग जागता है तो वो लिन से अपना मोबाइल फोन मांगता है। लिन चेंग से झूठ बोलती है, वो कहती है कि फोन तुम्हारा पुलिस ऑफिसर चेक करने के लिए लिया है, दो तीन दिन बाद वो वापस दे देगा। होटल पहुंचने पर लिन चेंग को जैसे तैसे रूम में लेकर जाती है। फाइनली वो अपना रूम में पहुंचकर थोड़ा सा रिलैक्स करती है। चेंग का सामान उस रूम में अच्छे तरीके से रख दिया था। चेंग को यह सब कुछ देखकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, वो सब बहुत ही ज्यादा रोमांटिक था। लिन कहती है ये हम लोग का हनीमून वाला वेकेशन बनाने के लिए हम लोग आए थे। उनके पास बार बार बे का कॉल आता है तो वो चेंग को कहती है तुम मेरा वेट करो, मेरा कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। उसे वो अपना नंबर भी देती है, कहती है कि अगर कुछ इमरजेंसी हुआ तो मुझे तुम कॉल कर लेना। वो जिस हाथ पे फ्रैक्चर रहता है उसी हाथ पे अपना नंबर लिख देती है और क्यूट वाला हार्ट भी बनाती है। वो जब बाई से मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि वो लोग का फाइनली कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से साइन हो गया है। बाई बहुत ही ज्यादा परेशान था कि तुम थी कहाँ रात भर, तुमने मेरा कॉल भी पिकअप नहीं किया, तुम आज का मीटिंग भी अटेंड नहीं की हो। ली बोलती है मेरा कुछ पर्सनल काम था पर अब वो पूरा हो गया है। लिन बोलती है कि जल्दी से टिकट करो, कल ही हम लोग निकलने वाले हैं। वो सोचती है चेंग को सेफली होटल में छोड़कर वो वहाँ से निकल जाएगी और उसका लाइफ नॉर्मल सा चलेगा जैसा चल रहा था। चेंग बेचारा वेट करते करते ही वो सोफा पर सो जाता है, तभी उसे बचपन का ड्रीम आता है। वो बचपन में ही अपना मॉम को खो दिया था जिसके वजह से उस पर कुछ ज्यादा ही मेंटल प्रेशर पड़ा था, जिसपे वो अपना इमोशनल खो दिया था। उसके डैड टीवी में दिखाकर बहुत सारे इमोशनल चीज सिखाने का एक्सप्रेशन सिखाने का कोशिश कर रहे थे पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो हर चीज में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट था पर उसके पास कोई इमोशंस नहीं थे। उसे तो ये भी याद नहीं था कि वो पहले किससे प्यार किया था। यह सब उसके ड्रीम में आ रहे थे। लिन खाना खाती और चेंग के लिए भी ऑर्डर कर देती है और चेंग का फोन चेक करने लगती है कि कुछ एक्सीडेंट के बारे में कुछ मिल जाए। वह बड़ी मेहनत से चेंग का पासवर्ड डालकर फोन खोलती है पर उस फोन में कुछ नहीं मिलता एक्सीडेंट के रिलेटेड। चेंग का पार्टनर माहो को बदमाश आदमी एक्सीडेंट वाला फोटो भेजता है। इसका मतलब तो कन्फर्म था कि वह एक्सीडेंट माहो ने करवाया था चेंग को रास्ते से हटाने के लिए। लिन चेंग के लिए खाना लाती है, उसे खाना खिलाती रहती है, तभी बेई डोर का नॉक करने लगता है। सेलिब्रेट करने के लिए वाइन भी लेकर आया था क्योंकि उसका डील जो कंफर्म हो गया था, पर लिन उसे तो रूम के अंदर आने नहीं दे सकती थी तो वहीं से उसे भगाने का कोशिश करती है। तब बेई बोलते क्या तुम किसी लड़के को छुपा रही हो, तभी अंदर से चेंग का आवाज आता है कौन है। ये सुनकर वो तो उसका सदमा ही लग जाता है, तब वो वहां से चले जाता है। चेंग पूछता है कि कौन था तो लिन उसे बहाना मार देती है कि रूम सर्विस वाला था। लिन चेंग को फोन देती है, वो प्रूफ करने के लिए अपना शैतान वाला दिमाग लगाई थी। वो हर फोटो को चेंग के साथ मर्ज कर दी थी अपना फोटो। फोटो में चेंग का फेस थोड़ा ऑकवर्ड टाइप का था, मेरा फोटो इतना खराब क्यों है, पर लिंग हर बात का कोई ना कोई बहाना मार देती थी। पर वो यही कोशिश कर रही थी कि उसे बिलीव हो जाए कि हम दोनों का पहले से ही अफेयर था। जब चेंग लिंग से पूछते अच्छा मुझे ये तो बताओ कि मैं कैसा था, मुझे थोड़ा तो याद है कि मैं कॉलेज का प्रोफेसर था, मेरा बिहेवियर कैसा था, मेरा तुम्हारे साथ बिहेवियर कैसा था, मैं एक्चुअली में था कैसा, तुम मेरे बारे में बताओ, हम दोनों का अफेयर कब से स्टार्ट हुआ, हम लोग कब कपल बने, और भी बहुत सारे सवाल का जवाब उसे जानना था। पर हमारे लिन वो जितना भी के ड्रामा देखी थी वो सबका मिक्सअप करके लाइन बनाती है और उसे सुनाती है। तुम तो खुद ही मेरे पास आए थे, तुमने बड़े स्टाइल से तुमने मेरा फोन नंबर लिया, तुम तो मुझे इम्प्रेस करने का भी कोशिश कर रहे थे, जब मैं रिलेशनशिप में तुम्हारे साथ आई तो तुम तो पूरा बदल ही गए थे, तो बहुत ज्यादा हैंडसम पर तुम एरोगेंट भी थे और रूड भी थे,
तो मुझे बात बात पर डांटते थे, छोटी छोटी बातों पर भी तुम डांटते थे मेरे को। या गलती करती थी या फिर कुछ भी गलती करती तो मुझे बात बात पर गुस्सा करते थे। लिंग उसे उल्टी सीधी बातों का पट्टी पढ़ा देती है। अब वो बेचारा चैंग और बिलीव कर लेता है मैं क्या इतना बुरा था तुम्हारे साथ, बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ड्रिंक करके वे प्रटुल हो गया था। वो लिंग को कॉल करने की जगह जीन को कॉल कर देता है। जब जीन को यह पता चलता है कि लिन कोई लड़के के साथ है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो उसके बारे में पूछती है पर बे को तो खुद ही नहीं पता था तो कुछ नहीं बता पाता है। फाइनली वो लोग का बनी बनाई स्टोरी खत्म होती है। जब वो लोग बाहर जा रहे थे तभी लिन का पैर स्लिप हो जाता है, वो चैंग के ऊपर बेड पर गिर जाती है। हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। माहा अपने एक पार्टनर मेही से बातें कर रही थी कि चैन अपने रास्ते से हट गया है, अब आगे क्या करना है। वही बदमाश आदमी हैकर से मिलकर चैन को पता कराता है कि चैन किस होटल में है, किस रूम में अभी स्टे किया हुआ है। लिन तो झूठ बोली थी कि वो लोग फियोंसी हैं, तो उसे तो चैन के साथ बेड शेयर करना ही था, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। लिन बेड के किनारे सोती है पर वो जितना घसकती है उतना ही चैन उसका करीब आते जाता है, पकने लगता है और उसे एकदम प्यार से पकड़ के सो जाता है। यह पार्टी चैंग को होटल में लेके जाती है लंच करने के लिए। वो अपने लिए बहुत सारा खाना मंगाती है पर बेचारा चैंग के लिए बस खिचड़ी मंगाती है। वो उसके सामने सारा खाना खाई जा रही थी तो बेचारा बस उसे देख ही रहा था। जब वो लोग लंच कर रहे थे तभी लिन बेई को देखती है, उसे देख कर टेबल के अंदर छुप जाती है कहीं उसे देख ना ले और चैंग को भी। चैंग पूछता है क्या हुआ तो लिन उसे झूठ बोलकर उसे वहां से भेजती है। इन दोनों का फोन में उसे प्लस सिम चेंज करती है। तभी वही आ जाता है उसी टेबल पे बैठने के लिए। वो जैसे तैसे करके वहाँ से बच के निकलती है। फिर जो बदमाश आदमी था वो एक हैकर के हेल्प से उस रूम में एंट्री करता है। पहले से ही था चैंग के रूम में अटैक करने के लिए। लिन अपने रूम में जाती 10 मिनट का टाइमर सेट करती है और सारा सामान पैक करने लगती है जल्दी जल्दी से क्योंकि वो वहाँ से निकल सके। सबसे पहले चैंग का सिक्योरिटी को मैसेज करती है कि 10 मिनट बाद मुझे इस रूम में आकर मिले। सिक्योरिटी को उसका मैसेज देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, फाइनली वो मिल गए। यहाँ पे ली जाने के लिए सारा सामान पैक कर ही रही थी तभी वहाँ पे बेई आ जाता है। जबरदस्ती उसके रूम में एंट्री करता और कहता है मुझे भी तो दिखा तुम कल कौन सा बॉयफ्रेंड को अपने रूम में छिपा कर रखी थी और मुझे एंट्री नहीं करने दी थी। वहाँ पे चैन तो था नहीं तो लिन झूठ बोल देखो यहाँ पे कोई नहीं है, देखो देखो कोई नहीं है। ये बोलता कि तुम यही रहो तुम्हारा प्लेन पक्का छूट जाएगा क्योंकि वे उसे पहले वाला प्लेन से टिकट करा दिया था। लिन तो वहाँ से जाने वाली थी तभी वहाँ का बदमाश आदमी वेटर का ड्रेस चेंज करके वो उस रूम में एंट्री करने वाला था। जल्दी जल्दी सामान पैकिंग करती रहती है तभी उसे लगता है कि कोई सा गेट जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा है। उसे डर लगता है तो पर्दे के पीछे जाकर छुप जाती है। यहाँ पे चैंग आराम से खाना लेकर वो रूम में जा रहा था तभी उस होटल का मैनेजर उसे देख लेता है और कहता है आपने रूम क्यों चेंज किया, हम लोग से कुछ गलती हो गया है। पर उसे तो पता नहीं था ना कि चैंग का मेमोरी लॉस हो चुका है। उसको डाउट होता है कि पहले वो लिंग के साथ था नहीं। वो कुछ बोलता नहीं फिर वो वहां से चले जाता है। वो जो बदमाश आदमी रहता है वो सब जगह चेक करता है पर वो चैंग को ढूंढ रहा था पर चैंग तो था ही नहीं उस रूम में। पर उसे ड्रॉअर में एक पेन ड्राइव मिलता है तो उस पेन ड्राइव पे कुछ डाउट लगता है तो पेन ड्राइव अपने पास वो रख लेता है। वहाँ पे चैंग का असिस्टेंट आ जाता है, वो उसे देख कर वहाँ से निकलने लगता है। चैंग का सेक्रेटरी भी उसके पीछे जाता है पर उसे पकड़ नहीं पाता है। वो दोनों को जाने के बाद लिन पर्दे से बाहर निकलती है और उसे समझ में आ जाता है कि लिन पर अभी भी जान का खतरा है, उस पर अभी भी कोई अटैक करना चाहता है। लिन तो उसे ऐसा छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्ट की थी और वैसे भी उसके पास मेमोरी भी लॉस हो चुका था। डिसाइड करती है कि चैंग को छोड़ेगी नहीं, उसे अपने साथ लेकर जाएगी यहाँ से। थोड़ा देर बाद चैंग रूम में आता है, उसे डाउट था तो लिन से पूछता है इसके बारे में तुमने मुझसे झूठ बोला है ना, पहले हम लोग साथ नहीं रहते थे ना। थोड़ा देर बाद लिन अपना खुरापात वाला दिमाग लगाती है और वो कहती है दोनों दुनिया वाला ड्रामा करके उसे इमोशनल कहती है और कहती है गुस्सा हो गए थे या फिर तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था इसलिए तुम अलग रूम में रहने लगे थे, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो, ये सब करके उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी। बेचारा लिन फिर उसके बातों में आ जाता है, उसे बहुत ही ज्यादा सॉरी सॉरी बोलने लगता है। बे जब अपना टाउन पहुंचता है तो उसे लेने के लिए जिंग आई हुई थी। जिंग थी वही कई कंपनी में काम करती थी, उसे जबरदस्ती लेकर ऑफिस पार्टी में जाती है। ना भी प्रॉब्लम क्रिएट किया था ना उसको सब सॉल्व करने का टाइम आ गया था।
लिन और चेंग भी एयरपोर्ट पे जाते हैं घर के निकलने के लिए। लिन बहुत ही ज्यादा शॉपिंग कर रही थी और बेचारे चेंग को सारा सामान पकड़ने के लिए दे रही थी। बेचारा अच्छे फियोंसी की तरह वो सारा सामान उसके उठाए जा रहा था। उन लोग का अनाउंस होने वाला था तभी लिन चेंग का सिक्योरिटी को देख लेती है, उसे कवर करने का कोशिश करने लगती है। चेंग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, उसे लगता है जो बगल में कपल खड़े हुए वो लोग किस कर रहे हैं, लिन को भी किस करना है पर इतने सारे सामान है तो किस नहीं कर पा रही है। सारे सामान को उतार कर अच्छे से जाकर उसको प्यार से किस करता है। ली तो पूरा एकदम सदमे में चली जाती है, तो पैर से मारती है, बोलते तुम ये क्या कर रहे हो। चिन बोलता है तुम्हें वही तो करना था इसलिए तुम उन लोगों को देख रही थी। अरे नहीं मुझे ये सब नहीं करना था, तुम पूरे पागल हो क्या। नेक्स्ट सीन में हम देखते वो बदमाश आदमी अभी भी चेन को ढूंढ रहा था। हैकर का फ्रेंड का फोन आता है, बोलता है कि मैंने फेक फोटो तुम्हारे बॉस को भेज दिया, तुम्हारे बॉस ने सारा पैसा तुम्हारा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, मुझे तुम मेरा बस हिस्सा दे दो, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा सारा फोटो लीक कर दूंगा। वो बदमाश आदमी के पास कुछ ऑप्शन भी नहीं बचा था, बुरा तरीके से फंस गया था। ली अपने भाई को कॉल करती है क्योंकि उसको अपना भाई नहीं है, ये आगे हम लोग को पार्ट में पता चलेगा। वो उसे अपने भाई को बोलती कि भाई मुझे घर चाहिए, प्लीज आप इमीडिएटली मेरे लिए घर का इंतजाम कीजिए, नॉर्मल घर लगना चाहिए। और उसे लगना चाहिए कि बहुत दिनों से उस घर में लोग रह रहे हैं, कुछ आदमी का भी सामान वहाँ पे रख देना। वो उसे कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, वो बोलता है ओके मैं कर दूंगा। जिंग जबरदस्ती वही को पार्टी में लेकर जाती है, बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था। वही जो है उसको उल्लू बनाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर जिंग तो इतनी आसानी से उसको छोड़ने वाली थी नहीं, उसे उसको पकड़ लेती है। वो वही पर्सन के पास लेकर जाती है जो कि कंपनी में ऑडिट करने के लिए आने वाले हैं। पहले सोच लेते कि पहले आप लोग सोच लीजिए, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं ली से भी कनेक्टेड थे। आगे पार्ट में हम लोग को पता चलेगा क्या रिलेशन है ली के साथ इन लोग का। यहाँ पे माँ हो अपने पार्टनर मेई के साथ जब वो फोटो दिखाता है चेंग का एक्सीडेंट का, बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाती है और कहती है ना कैसे गिर सकते, किसी को मार देना ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक्चुअल में वो चेंग को लाइक करती थी बहुत पहले टाइम से, चेंग उस पर थोड़ा भी भाव नहीं देता था, इसी बात पे उस पर गुस्सा था माँ हो पर। और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जोर से थप्पड़ मारते हुए कहती है कि चेंग अगर मर भी गया होगा तुम उसके जगह पर कभी नहीं लोगे, मैं उसे ही पसंद करूंगी। उस पर गुस्सा करके से नहीं चली जाती है, वहाँ का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। अगले मॉर्निंग लिन को उसी घर के पास लेकर आती है जो उसका भाई ने सेटअप किया था। दोनों का साथ में जो फोटो मर्ज किया हुआ था वो भी था। चेंग अच्छी तरीका से रूम देखने लगता है, ये तो सोच रही थी कि कहीं से इसको डाउट ना हो जाए, पर चेंग बोलता है कि वही घर है, उसको थोड़ा थोड़ा सा मेमोरी याद आ रहा था। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते खाना बनाने का, पर फ्रिज में कुछ ऐसा था ही नहीं, सब कुछ खराब हो गया था। सामान देखने के चक्कर में वो लोग कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते कि वो लोग होटल में जाएंगे खाना खाने के लिए। ली का भाई जो पार्टी में आया नहीं था, वही पर्सन है जो ली के कंपनी में ऑडिट करने के लिए आने वाले थे, उसे पकड़ लेते हैं, पूछते तुम आए क्यों नहीं पार्टी में कल, बहाना बनाने लगता है। तभी उसका बड़ा भाई लिन का फाइल देख ले, पूछने लगता है ये फाइल तुम्हारे पास क्या कर रहा है, तो बहाना बनाने लगता है इस आदमी का सामान कुछ रिलेटेड उसके घर में रखवाने के लिए, उसको कुछ ज्यादा कुछ पता नहीं था। तो सोचते हैं कि लिन चिंग के साथ कर क्या रही है। इधर लिन और चिंग दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए थे, वहाँ पे लिन के सब जान पहचान के ही थे तो वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल बिहेवियर कर रहे थे। वहाँ पे एक बोर्ड थे जो सभी कपल का फोटो थे, जो भी आते थे वहाँ पे रोमांटिक सा पोज देके फोटो क्लिक करते थे और उस बोर्ड में उन लोग का फोटो लग जाता था, पर वहाँ पे चेंग को अपनी फोटो नहीं दिखती है। तो लिन वहाँ पे मैनेजर को बुलाती है होटल के और पूछते कि हम दोनों का फोटो क्यों नहीं है, तो वो उसे झूठ बोलता है। वो बोलता है कि हम लोग क्लीन किए थे ना इसलिए हो सकता है कि आपका फोटो हट गया है, तो वो लोग फिर से दोबारा फोटो क्लिक करवाते हैं फिर वहाँ पे लगा देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग चेंग का सिक्योरिटी किसी काम से ऑफिस में जाता है, वहाँ पे मेही से मिलता है। मेही अपना दिमाग लगाकर चेंग के बारे में जानना चाह रही थी, ठीक है कि नहीं, वो सचमुच क्या उसका डेथ हो गया है। फाइनली उस ढक्कन को समझ में आ जाता है, वो मैटर को संभाल लेता है। खाना खाने के बाद लिंग चेंग को शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाती है, वहाँ पे स्कूल टाइम के टीचर दिख जाती है। वो लोग उनसे छुप कर भागने लगते हैं, भागते भागते वो लोग स्टोर रूम में जाकर एक जगह छुप जाते हैं। बोलता है कि हम उस लेडी से क्यों छुप रहे हैं, तो लिन बोलते है कि वो जो लेडीज है ना वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानती है जो मैं नहीं चाहती कि तुम्हें पता चले। चेंग बोलते तो मुझे जरूर मिलना चाहिए क्योंकि बचपन की बहुत सारी बातें जो मुझे याद नहीं है तुमने बताई होगी ना, इसलिए। चेंग के सर पर बॉक्स गिर जाता है, उसे थोड़ा सा मेमोरी याद आता है कि वो लिन के साथ कितना सारा मिसबिहेवियर करता था वो। फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। ली को लगता है वो टीचर चली गई होगी, पर एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, टीचर वहाँ पे पहले से ही थी। वो उन दोनों को देख लेती है और वो पूछते क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। लिन तो नाना कर रही थी, पर चेंग उसे पकड़ के बोलते हैं नहीं हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, हम लोग फियांसी है। वो उसे लेकर जाती है कपल वाला चॉकलेट दिलाने के लिए, उन्हें चॉकलेट लेने के लिए कपल वाला बिहेवियर करना पड़ता है। ली का तो हालत ही खराब हो जाता है सब करने के बाद। फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं, बाहर फिर वो लोग नॉर्मल जाते हैं।
हैं, फिर बातें करते रहते हैं। फिर और झूला को देखकर निन को बचपन वाला बात याद आता है, वो झूला पर बैठ जाती है। सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा था, चेंग भी लिन के साथ बहुत ही ज्यादा खुश था, पर चेंग का सिक्रेटरी रहता है ना, वो पूरा कोशिश कर रहा था चेंग को खोजने में, पर उसे कुछ मिल ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं चेंग को मिलता है ली का लिखा हुआ पुराना लव लेटर, पढ़ा जा रहा था और ली उसके सामने एम्बैरेस हो जा रही थी। मैं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ली को किसी लड़की ने उसे लव लेटर लिखने को कहा था और वो जाकर चेंग को दी आई थी, और चेंग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था कि यह लव लेटर लिन ने लिखा है उसके लिए। उस टाइम चेंग ने ली को बहुत ज्यादा डाटा था। देर बाद हम देखते हैं ली का उसको ढूंढते हुए भाई और बेस्ट फ्रेंड वहाँ पे उसी घर पे आ जाते हैं। लोग बार बार घर को नॉक किए जा रहे थे पर वो दोनों छिपे हुए थे और चेंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ली क्या कर रही है। कुछ तो हम लोग छुप के रहे हैं तो ली झूठ बोलती कि मैंने कुछ पैसे लिए थे, मेरा एड्रेस निकाल कर वो यहाँ पर आया है मेरे से पैसे लेने के लिए। बहुत देर तक वो लोग गेट को नॉक करते कॉल भी करते पर वो नहीं उठाती है, वो वहाँ से जाने लगते हैं। चेंग को साथ में घर जाने को कहता है, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते क्योंकि उसका बचपन से उस पर कर्ज जो था। चेंग ने अपना मेमोरी लॉस तो कर दिया था पर उसका स्मार्ट दिमाग काम करना अभी भी बंद नहीं किया था। वह एक फोटो के पीछे अपना और ली का फोटो लगा देता है और सोचता है कि हम दोनों के बीच में क्या कॉमन है, हम दोनों के बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं उसे और भी कितना अच्छा से खुश रख सकता हूँ। अभी बहुत सारा चीजें उसमें लिख रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग में ली जब ऑफिस जाती है तो अपने कलीग्स के हेल्प से वही सीसीटीवी वाला कैमरा रिकवर कर लेती है जो बदमाश आदमी ने चोरी कर दिया था और खराब कर दिया था। कलीग्स उसे बोल रहा था कि ये सीसीटीवी कैमरा ठीक कर देगा, एक बंदा है पर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं भाई जब आता है तो उसके घर में चारों तरफ जाली जाल बिछे हुए हैं। एक्चुअल में उसकी छोटी सिस्टर आई थी, वो हमेशा बेई को बुली करती थी। बेई की सिस्टर बोलती कि मुझे कुछ दिन तुम्हारे घर में रहने दो क्योंकि मेरे घर वाले जबरदस्ती में शादी कराना चाहते जो मैं नहीं चाहती हूँ। वे इस बात के लिए रेडी नहीं होते इसलिए उसको जाल में बांध करके रखी हुई थी। दूसरी तरफ चेंग जब जागता है तो चारों तरफ देखता है, सोचता है कोई काम नहीं है तो वो इंटरनेट पर सर्च करने लगता है कि मैं किस तरह अपना रिलेशन ली के साथ अच्छा कर सकूं। और भी उसे बेई के एक साइड दिखता है जो उस पे क्वेश्चन पूछे जा रहा था और उसकी सिस्टर आंसर दिए जा रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मई के कंपनी और ली के कंपनी में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था जिसकी वजह से मीटिंग हो रहा था। मीटिंग कुछ अच्छे नहीं हो रहे थे, उन लोगों के बीच में आर्गुमेंट और बढ़ ही रहा था, दोनों में से कोई भी मानने को तैयार ही नहीं रहे थे। चेंग उसे बार बार मैसेज किए जा रहा था तो लिंक के अलावा कुछ अर्जेंट है, उस मीटिंग से बाहर निकल जाती है। बाहर जाकर देखती तो ज्यादा कुछ नहीं था, बस रोमांटिक सा मैसेज था। वहाँ पे चेंग का सिक्योरिटी भी किसी से बात कर रहा था, उन लोगों का बात सुनती है पर उसे कुछ समझ में नहीं आता है। उसका मीटिंग तो सही से हुआ नहीं था इसलिए लिन मई से पर्सनली जाके बात करती है, प्रपोजल रखती है और मई इस प्रपोजल के लिए रेडी भी हो जाती है। रात में जब लिन घर आती है तो घर पे देखती बिल्कुल भी लाइट जला हुआ नहीं था, सब जगह ओनली कैंडल लगा रहता है। एक रोमांटिक सा सीन क्रिएट होता है। वहाँ पे चिंग आकर रोमांस करने की कोशिश करता है जैसा उसने सीखा था बेई के वेबसाइट से। ली को बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है। मई को तो डाउट था ही तो वो चेंग का सिक्योरिटी से जाती है बात करने के लिए, उसे बात बात पूछना चाहती थी कि चेंग कहाँ है, कम से कम ठीक तो है। मैं उसके बैग में एक ट्रैकर डिवाइस रख देती है जिससे उसका लोग का बात सुन सके। नेक्स्ट मॉर्निंग में ली जब जागती है तो चेंग ने उसके लिए टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट बना के रखा हुआ था, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वो जाके खाने लगती है। चेंग ली से पूछता है दोस्तों को तो पता है ना कि हम लोग का एंगेजमेंट हो गया है। ली को फिर से मजबूरी में झूठ बोलना पड़ता, वो बोलती कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसे पता है कि हम लोग एंगेजमेंट हो गए हैं लेकिन वो यहाँ पे है नहीं। वो लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, जब चेंग दरवाजा खोलने जाता उसी वक्त उसकी बेस्ट फ्रेंड आ जाती है। फिर से लिन ड्रामा क्रिएट करने लगती है, फिर बोलती कि वाओ तू वापस आ गई, तुम तो अब्रॉड पढ़ने गई थी ना। जिंग भी सिचुएशन समझ के वो भी एक्टिंग करने लगती है, वो एक दूसरे को हाय हेलो बोलते हैं। लिन जल्दी से जिंग को लेकर बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद जिंग लिन को बार बार पूछी थी क्या कर रही हो, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में, तुम मुझे सच सच बताओ। लिन जिंग को सारी बात बता रही थी कि उसको सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पर रखी हूँ, मैं उसे कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ, तुम टेंशन मत लो। चेंग साफ करते रहता है, उसे एक मैगजीन मिलता है जो उसके बारे में लिखा हुआ था, किस कॉलेज में पढ़ाया करता था, सोचता क्यों नहीं जाकर उस कॉलेज से अपने बारे में पता किया जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किंग जो होता है वो अपना वो शूटिंग करता रहता है, वो बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा था। तभी वहाँ पर
बई की सिस्टर आ जाती है। दोनों के बीच में शादी के बातें चल रही है, पर एक्चुअली में वो दोनों बिल्कुल भी शादी में इंटरेस्टेड नहीं है। बई की सिस्टर चाहती है कि चिंग इस शादी से मना कर दे। चिंग भी उसी कॉलेज में गया हुआ था शूटिंग करने के लिए और चेंग भी वहीं पर जाता है, तो वो दोनों टकरा जाते हैं। एक स्टूडेंट्स रूम में रहता है, अभी वहाँ पर चेंग पहुँच जाता है। वो अपने बारे में पूछता है, वो चेंग को देखा नहीं था तो चेंग को भर भर की बुराई करता है। जब वो चेंग को देखता है तो डर जाता है, चेंग को तो समझ में नहीं आता कि मैं इतना बुरा था। इस तरह हम देखते हैं कि बई मीटिंग में आते थे स्टाइल से, बट जैसे ही बैठता है चेयर से गिर जाता है, फिर उठ के वो बैठ जाता है। उसे तो मीटिंग बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो मीटिंग को हैंडल नहीं कर पाता। उसे बहुत एम्बैरेस फील होता है, वो वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाता है। आती उसे समझाने के लिए बोलती है, कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है, ये सब चीज होती रहती है, नेक्स्ट टाइम पे तुम रेगुलर मीटिंग पे आता जो तुम्हें सब कुछ उस मीटिंग बारे पता रहे। यहाँ पर दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट को पता चलते कि चेंग कॉलेज आया हुआ तो सभी स्टूडेंट लोग उसको पीछे पड़ जाता है। वो बेचारा वहाँ से अपना जान बचाकर वहाँ से भागता है। भागते भागते एक जगह पहुँचता है चेंग, वहाँ पे एक प्रोफेसर के साथ अपना फोटो देखता है। वो फोटो देखकर उसे फ्लैशबैक में कुछ याद आता है, उसके सर पर कुछ ज्यादा ही पेन होने लगता है। वहाँ पर भी सारे स्टूडेंट आने लगते, तभी वहाँ पे ली आ जाती है, उसे बचाकर भगाने लगती है। जैसे तैसे बचते बचाते वहाँ से भागते अजिंग बाहर कार में वेट कर रही थी, वो लोग वहाँ पर पहुँच गई। कुछ न कुछ प्लान करके चेंग को असिस्टेंट को बोलती अपने साथ मीटिंग में जाने को। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं, बोलता है कि मैं तुम दोनों के लिए डिनर बना दूंगा, जाती है। और वो सबका फोटो, जिंग सब लोग का फोटो देख के बोलती, वाह तुम लोग क्या बात है, सारा फोटो भी कपल वाला है। तो लिन उसे समझाती, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लिन चेन को एप्रॉन बांध रही थी और जिंग उन दोनों का फोटो ले रही थी। थोड़ा सा डाउट तो था ही, को दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। थोड़ा देर बाद चेंग उन दोनों के लिए नूडल्स बना के लाता है। उनका तो ये आदत गया नहीं था क्वेश्चन पूछने वाला, और बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो जिन सोचती है कि लिन अब तो फंस गई, अब क्या जवाब देगी। बार बार झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ बोली जा रही थी। इधर हम लोग देखते हैं कि ये तीनों आपस में डिस्कस कर रहे थे चेंग के ही बारे में। वो बोलता है कि चेंग का लगता है ना कि मेमोरी लॉस हो गया, इसलिए बहुत वियर्ड बिहेवियर कर रहा था, पर उसके डैड पे भरोसा नहीं होता, उसे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। यहाँ पे वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे। मई का यहाँ पे ये प्लान था कि वो चेंग के सिक्योरिटी को ज्यादा ड्रंक कर दे और उसके बारे में पता करे, चेंग के बारे में पता करे। होता उल्टा है, मई कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो जाती है, उसको कार में बैठा देता है। तभी उसी टाइम एक अजीब सा बंदा आकर चेंग सिक्योरिटी से मिलता है। तो कौन था, यहाँ पे क्या करने आया था, इस पार्ट में तो नहीं बताया गया है, आगे पार्ट में देखेंगे। चेंग को जाने के बाद चेंग को इतना सारा काम करने की वजह से उसके हाथ में दर्द होने लगता है, उनको थोड़ा बुरा लगता है, तो उस पर मेडिसिन लगाती है और पेन किलर भी देती है कि खा लो ठीक हो जाएगा। पार्टी को जब होश आता है तो चेंग को देखती है रोड क्रॉस करते हुए। जब वो कार से बाहर निकलती है तो चेंग वहाँ पर नहीं दिखता है, तो उसे लगता है कि उसको भ्रम हो गया है। कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर गया था, जब वो बस में बैठा हुआ था तो एक कपल को झगड़ा करते हुए देखता है। को लड़ते देखकर उसे अपना बातें याद करने लगता है, ये सब वो नोटिस ध्यान से करता है। वो चाहता था कि वो लिन के साथ उसका रिलेशनशिप सही हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग लिन जब जगती है तो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। इसके बाद चेंग बाहर से सामान लेकर आता है, वो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा था। लिन यह देख के बहुत ज्यादा परेशान हो गई, वो यह सोच रही थी कि कुछ चेंग को याद तो नहीं आ गया है। बार बार चेंग से कोशिश कर रही थी जानने का क्या उसे कुछ याद आया है। मैं तुम्हारा पास्ट में बहुत ज्यादा परेशान किया हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा हर्ट किया हूँ ना, तो इसे सोच के मुझे बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है। लिन बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी, वो वहाँ से बहाना मार के वहाँ से निकल जाती है। लिन जा रही थी तभी चेंग आ जाता है उसे हेलमेट पहनाने के लिए, क्योंकि वो साइकिलिंग करके ऑफिस जा रही थी। इसीलिए देखते जो बंदे हैं वो लिन और चेंग पर नजर रखे हुए, एक्चुअली इन दोनों को लिन का भाई बोला था नजर रखने के लिए, वो उन्हें ही अपडेट करते रहते हैं। आज कंपनी में इन्वेस्टर लोग का मीटिंग था, सभी लोग चेंग को ढूंढ रहे थे। एक महीने से चेंग ऑफिस नहीं आया था, वो अभी तक नहीं आया था, इसलिए सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ रहा था। अभी एक आदमी उठता है मीटिंग में से और बोलता है कि चेंग मिसिंग है। तभी मई आती है और सिचुएशन को संभाल लेती है। वह बोलते है कि कल ही मेरे से चेंग से ईमेल में बात हुआ है, चेंग कोई मिसिंग नहीं है। फिर हम देखते हैं माहौल बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। तुमने क्या दिमाग लगाया है, किसी को शक भी नहीं होगा कि चेंग गायब हो गया है। एक्चुअली चेंग जो होती है मियो की फियोंसी होती है, किसी बात को उन लोग का झगड़ा हो गया, उन लोग का ब्रेकअप हो गया है, इसीलिए माहौल को बिल्कुल भी बिलीव नहीं कि चेंग मर चुका है। इसी तरफ हम देखते हैं वो सस्पिशियस बंदा चेंग का सिक्योरिटी को किडनैप करके लाया था और कोई नहीं, वो चेंग का छोटा भाई होता है। चेंग मिसिंग हुआ है तब से वो उसका असिस्टेंट पर नजर रखा हुआ था, वो उससे कोई इन्फॉर्मेशन मिला नहीं, इसे लास्ट में उसको किडनैप कर लेता है उसे जानने के लिए, पर कोई फायदा होता नहीं है। इसी तरह हम देखते हैं लिन और जिंग दोनों बातें कर रहे थे लिन के बारे में। लिन बोलती है कि मुझे लगता है कि ऑफ कंपनी का ही कोई बड़ा आदमी उसको एक्सीडेंट करवाया है। वो दोनों अपने में इन्वेस्टिगेशन अपने तरीका से कर रहे थे।
अचानक से लीन को याद आता है कि चेंग को उसको मेडिसिन देना है, तो जल्दी से घर चली जाती है। लीन चेंग को ट्रेडिशनल मेडिसिन पिलाने की कोशिश करती है, फिर चिन मना कर रहा था बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा करवा, तो लीन उसके साथ गेम खेलने लगती है। वो बोलती है अगर तुमने सही गेस किया तो तुम्हें नहीं पीना पड़ेगा, अगर तुमने गलत गेस किया तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। दोनों गेम खेलते खेलते कुछ ज्यादा एक दूसरे को क्लोज हो जाते हैं। अब एक रोमांटिक सा सीन देखने को मिलता है, फिर वहाँ पे लीन अनकंफर्टेबल फील हो जाती है, फिर चेंग जल्दी से उठता है, वो मेडिसिन पी लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बेई को बिल्कुल भी घर जाने का मन नहीं था बिकॉज उसकी सिस्टर वहाँ पे थी, उसको फिर से बुली कर सकती थी। वो जाता है जिंग के पास, अजिंग को भी उसकी सिस्टर पसंद नहीं थी, तो बोलते ठीक है मैं तुम्हारा हेल्प करूंगी। लीन को अपने सामान में एक बॉक्स मिलता है जो अपने उसकी मम्मी के साथ खेला करती थी बचपन में। वो अपनी मॉम का बात मानती थी तो उसकी मम्मी इस बॉक्स खोलती थी, उसमें से सरप्राइज निकलता था। वही चीज वो चेंग के साथ भी करती है। लीन चेंग को मेडिसिन पिलाएगी और वो बॉक्स खोलेगी, जो भी बॉक्स में लिखा होगा उसे वो देना पड़ेगा। चेंग बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, मेडिसिन पी लेता है, वो बॉक्स खोलती है तो उसमें टॉफी लिखा रहता है, फिर लीन उसको फेवरेट टॉफी देती है। उसके बाद लीन जल्दी से ऑफिस निकलती है तो जल्दी जल्दी वो फाइल भूल जाती है। चेन उसको देने की कोशिश करता है पर वो वहाँ से चली जाती है। फिर चेन सोचता है कि मैं जाके दे देता हूँ। जिन को यह पता चलता है लीन से कि उसका भाई का शादी होने वाला है, तो जिन का तो दिल ही टूट जाता है बिकॉज उसको उस पर क्रश था ना, इसलिए। वो दोनों बातें करते रहे, तभी ऑफिस में एक लड़की आती है, उसके ऊपर ड्रिंक फेंकने लगती है। तो वही लड़की थी कि दोनों कंपनी का डिजाइन इधर उधर किए थे, जिसकी वजह से दोनों कंपनी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। एक्चुअली वो लड़की जिंग को दोषी मानती थी, पर जिंग बोलती थी कि तुम्हारी गलती है, तुमने ही कंपनी को धोखा दिया है। वो दोनों का आर्गुमेंट होने के बाद उस लड़की को कंपनी से बाहर निकाल देते हैं, जाती उसे समझाने के लिए कि जब तुम हमारी कंपनी में थी तो जिन तुम्हारा बहुत ही ज्यादा सपोर्ट की थी, वो तुम्हारे बारे में कभी भी बुरा नहीं चाहती है। वो बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं समझती है। चैन आया था उसको फाइल देने के लिए, तभी वो सब कुछ देख लेता है, वो सिचुएशन को समझ जाता है। वैसे भी लीन के पैर में चोट लगा हुआ था, तो वो आता है उसको मेडिसिन पुट करता है चोट पे, उसको बहुत ही ज्यादा प्यार से ख्याल रख रहा था। ये सब प्यार देख कर लीन उसके ऊपर फिदा हो जाती है। कहीं ना कहीं लीन के अंदर भी चैन के लिए फीलिंग आने लगी थी। वो दोनों तो अपडेट कर रहे थे फोटो लीन के और चैन के, तो लीन के पापा देख लेते और बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और बोलते तुम जल्दी से जाओ और लीन को यहाँ पर लेके आओ, मैं उसे बातें करना चाहता हूँ, इस तरीके उसको अपनी बेटी के साथ रहने नहीं दे सकता हूँ। दोनों क्लोज तो जीन देख लेती है और जीन लगी उसकी फ्रेंड है तो उसको टिस करने लगती है। बोलती मुझे नहीं लग रहा कि तुम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते, तो मुझे लगता है तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग हो रहा है, बढ़ रहा है ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैं अपना दिमाग लगाती और जाती है माहो के पास, उसको पूरा भड़काती है कि तुम चेंग के बिना कुछ भी नहीं हो, तुम्हारा कोई पोजीशन ही नहीं है, तुम उसके सामने टिक भी नहीं पाओगे। वो भी पूरा गुस्सा हो जाता है, अपना जितना भी गलती रहता है, उसने एक्सीडेंट करवाया था वो बोल देता है, यही दिमाग लगाकर वो रिकॉर्ड कर लेती है सारा उसके बाद, फ्यूचर में ये सब चीज उसके लिए काम आएगा। दोनों दोस्त बातें कर रहे थे तभी जिन खड़ी होती, बोलती कि ऐसे रोमांस करो वैसे रोमांस करो, इन लोग ऐसे सिचुएशन में कोई ना कोई आके इन लोग को देख ही लेता है। वो लोग ये सब देख कर एम्बैरेस हो जाती थी। मैं फिर से दिमाग लगाती है, वो सेक्रेटरी चैन के पास जाती है, बोलती कि मुझे पता है कि चैन जिंदा है, मैंने देखा भी है चैन को, क्यों ना हम दोनों मिलकर उसको ढूंढे। सेक्रेटरी चैन उतना भी ढक्कन नहीं था, उसको कुछ ना कुछ उसको मई के बारे में सब कुछ पता था, उसके बातों में नहीं आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ली अपने भाई से मिलने जाती है और उसका पीछा जिन करती है और वो छुप कर उन दोनों की बातें सुन रही थी, चेंग को तार भी रही थी। वहाँ पर बेबी आ जाता है, वो दोनों बातें कर रहे थे तभी चेंग लीन को बोलता है तुम चेंग को लेकर कुछ ज्यादा सीरियस तो नहीं हो ना। वो अपने भाई को बोलती नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, वैसे वो उसका मेमोरी लॉस हो गया ना, इसलिए मैं उसका हेल्प करना चाहती हूँ। इसके बाद ली चेंग से पूछता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो बोलती है क्या बात कर रही हो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इसके बारे में दोबारा मत पूछना। पीछे खड़ी जीन सुन लेती है और उसका दिल ही टूट जाता है। कि चैन चैन का छोटा भाई से बोलता है तुमको पता है मैं इन्हें कितना दिमाग लगाया है, पहले तो उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया और मुझे ऑफिस में रहने के लिए बोल रही है क्योंकि वो मुझ पर नजर रख सके, पहले मैं यहाँ पर आ गया, मैं तुम्हारे साथ मिलकर चैन को ढूंढना चाहता हूँ। जरा चैन का छोटा भाई को ना चाहते भी उसके साथ रहना पड़ता है। जिंग वहाँ से गुस्से से निकलती है, पीछे पीछे बेबी आ जाता है और उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और जिंग का जो सैंडल है नीचे फंस जाता है और दोनों स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। भाई जैसे तैसे करके जिंग को बचाता है, वो लोग पूरे गीले हो गए थे, इसके वजह से वो लोग उसी होटल में रुकने के लिए एक रूम लेते हैं। तो वाइन पी रहे थे और अच्छे से बातें कर रहे थे। जब लेन अपना घर जाती है तो वो देखती है कि चैन ने उसके लिए सॉरी लेटर लिखा हुआ है, कुछ ज्यादा ही ड्रंक कर लिया था, बच्चों की तरह बिहेवियर कर रहा था।
कह रहा था देखो मुझे भी यही सब चीज़ करना है जो मैंने लेटर में लिख कर रखा हुआ है। ली कहती कि मुझे ऑफिस या काम से कुछ ट्रिप पर जाना, इसलिए मैं ये सब तुम्हारे साथ तो नहीं कर सकती हूँ। चैंग जो है ड्रंक होने की वजह से वहीं पर सो जाता है। चैंग को होश आता है तो कल का बिहेवियर को देखकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है। इतना बड़ा कांड कर दिया वो। दूसरी तरफ हम देखते हैं चैन का जो सिक्योरिटी होता है वो लिन पर नजर रखने के लिए आता है, पर वो दोनों बंदा ऑलरेडी उस पर नजर रख रहे तो वहाँ पर उसको टिकने नहीं देते, वहाँ से उसको भगा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन के पापा चैन से मिलने के लिए आते हैं। इसके बारे में चैन को तो पता नहीं था कि वो ली के पापा है, बहुत ही चैन से रूडली बिहेवियर कर रहे थे। घर में जाते हैं और घर में सब कुछ चेक करते हैं। दोनों का कपड़े वाला फोटो देख कर भी शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि दोनों के बीच में चल क्या रहा है। जब ये बात ली को पता चलती है तो जल्दी जल्दी घर आ जाती है। जब ली घर आती है तो वो अपने डैड पर ही गुस्सा करने लगती है। यहाँ पर ज्यादा आकर मेरी केयर मत करो, जब जरूरत हो तो आप आए नहीं, अभी केयर करने का ड्रामा कर रहे हो, मुझे आपका बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा अपने डैड को सुना देती है। डैड ये सब सुनकर वहाँ से चले जाते हैं और ली का कुछ ज्यादा ही मूड ऑफ हो गया था। चैन उसका मूड ठीक करने के लिए उसके साथ बाहर घूमने जाने का प्लान करता है, मान जाती है। को कॉल करते और कहते सब कुछ ठीक है ना, क्योंकि अचानक से डैड तुमसे मिलने के लिए चले गए हैं। तो लिन बोलती हाँ सब कुछ ठीक है। लिन बोलती कि हाँ पापा हम दोनों को देख के कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहे थे। चिन भी सोचता कि मुझे भी चैन से मिलना चाहिए, क्योंकि वो पहली बार किसी बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशन में है, क्यों ना उसका भाई जो है उसको लेकर फिक्र तो होगा, इसलिए उसे मिलना चाहता था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं चैन का भाई होता है, उसे मिलने के लिए चैन का सिक्योरिटी आता है उसे कुछ बात करने के लिए, पर वो बोलता है उसको कचरा बाहर फेंकने के लिए। उसमें उसको एक डायरी मिलता है जिसमें अकाउंट का सब कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल उसमें लिखा हुआ था, माहो का। बोलते है कि तुमने इतना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डस्टबिन में क्यों फेंका हुआ है, तुमने मुझे क्यों नहीं दिया। और ये सब बोलते है वो इम्पोर्टेंट काम के लिए वो वहाँ से चला जाता है। दोनों डेट पर आए थे, कुछ ज्यादा ही बिजी थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे। वो दोनों साथ में गेम खेल रहे थे। वो ली जो है वो चैन का सिक्योरिटी को देख लेती है और चैन को लेकर जल्दी जल्दी से जहाँ पर फोटो क्लिक होता है उस रूम में चली जाती है, ताकि वो उस लोगों को ना देख पाए। सच में चैन का सिक्योरिटी उन दोनों को ढूंढ नहीं पाता है और वो दोनों उस रूम में तो चले गए थे, तो वो लोग फोटो क्लिक कराने लगते हैं। चैन का सिक्योरिटी वहाँ से जाता है, लीन पेमेंट करने के बाद वापस आती है तो चैन को नहीं देखती और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। थोड़ा देर बाद चैन वापस आ जाता है। चैन ली के लिए पेस्ट्री बाय करने के लिए गया था, वो जल्दी से जाती है उसको हक कर लेती, सचमुच बहुत ही ज़्यादा वो परेशान हो गई थी। उसे कहता है कि मैं प्रॉमिस करता मैं तुम्हें कभी भी छोड़ कर नहीं जाऊँगा। कहीं ना कहीं ली भी चैन को लाइक करना स्टार्ट कर दी थी। चैन का सिक्योरिटी जाता रहता है तो वो लोग लीन और चैन को एक साथ देख लेते हैं। जब तक वो टैक्सी रुकवा पाता तब तक वो लोग फिर से गायब हो जाते हैं। जब वो लोग घर जाते हैं तो चैन लीन के लिए एक सरप्राइज प्लान किया हुआ था। लीन और चैन एक साथ बैठते हैं, प्यार से बातें करते रहते हैं, बहुत रोमांटिक सा वो लोग कपल की तरह। लीन चैन को अपने बारे में सब कुछ बता देती है, पास्ट के बारे में। नेक्स्ट मॉर्निंग में बेई फिर से वो जिंग से बोलता है प्लीज मुझे फिर आज अपने घर अपने साथ ले चलो, क्योंकि मैं वापस घर नहीं जाना चाहता, मैं अपनी सिस्टर से फिर से मार नहीं खाना चाहता हूँ। और जिंग के पास कोई आना चाहते भी उसको अपने साथ लेके जाती है, उसे तो लिन से मिलने जाना था। वही भी जिद करने लगता है कि मुझे भी लिन से मिलने जाना है। घर जाकर गेट नॉक करती है, लिन जैसे ही दरवाजा खोलती वो लोग बातें करते रहते हैं, तभी वहाँ पे बेई आ जाता है। लिन बोलती है कि तुम इस बेवकूफ को क्यों लेकर आई हो साथ में अपने। वो तीनों बातें करते रहते हैं। उसी वक्त चैन भी उस लिन के दोस्त से मिलने के लिए वो भी बाहर आ जाता है। चैन और बेई के बीच में आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है, एक दूसरे को यू प्रूफ करना चाहते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा बेटर हूँ, तो वो बोलता है मैं तुमसे ज्यादा बेटर हूँ। थोड़ा देर बाद वो लोग फ्रेंड के साथ पार्टी में जाना था। चैंग भी बोलता है कि मैं भी जाना चाहता हूँ, पर ली उसे मना कर देती है। कैसे लेके जा सकती थी उस कॉलेज का प्रोफेसर जो था, अगर वो लेके जाती तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी हो जाता, इसलिए वो बोलती कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी और बुला लूंगी। वो वहाँ पर बेचारे को अकेले छोड़कर चली जाती है पार्टी में। वहाँ पे सभी बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सभी स्टूडेंट से चैन के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगती है। बहुत उसे पता चलता है, ये भी पता चलता है कि चैन के फियोंसी थी। उसे ये नहीं पता चलता कि उन लोग का पहले से ही ब्रेकअप हो चुका है और उसे ये भी नहीं पता चलता कि फियोंसी कौन थी। लिन चैन का एक्टिंग कर ही रही थी तभी वहाँ पे चैन पहुँच जाता है। क्या कुछ सामान छोड़ गया था इसलिए उसको देने के लिए वहाँ पे आया था। प्रोफेसर चैन को देख के वहाँ पे सभी का हालत टाइट हो जाता है। चैन लिन का कुछ ज्यादा ही केयर कर रहे थे कपल की तरह, तो सब लोग एकदम शॉक्ड हो जाते
है, सब जानना चाहते हैं इन लोग को बीच में चल क्या रहा है। चेंग जिंग को फंसा देती है, बोलती कि हम लोग के बारे में जिन अच्छे से तुम लोग को बताएगी, और वो चेंग को लेकर वहाँ से निकल जाती है। जिन सभी को झूठ बोलती कि मुझे बॉस का कॉल आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे जाना होगा, अभी तो मैं तुम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगी लेकिन बाद में तुम सभी को बता दूंगी। यहाँ पे दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, बस में रात में घूम रहे थे, अरे कपल की तरह प्यार कर रहे थे एक दूसरे से। जैसे चैन लिन को किस करता है, उसे फ्लैशबैक में कुछ कुछ याद आने लगती है। जब वो अपने पेरेंट्स के साथ था तब उसका एक्सीडेंट हो गया, तो और भी बहुत सारा चीज उसको याद आने लगता है। लिन डर जाती है कि इसे क्या हो गया है। जब लिन चेंग से पूछती है तो चेंग कुछ नहीं बताता है। फ्लैशबैक में इसकी मेमोरी याद आ रही थी। बस से उतरते तब बारिश हुआ था, तो ये लोग बारिश के पानी से खेलने लगते हैं। जब बहुत तेज बारिश होने लगता है तो वहाँ पे एक बस स्टॉप दिखता है, वहाँ पर जाकर वो लोग छुपते हैं। जैसे ही फिर से चैन ली को किस करता है, फिर दोबारा उसे फ्लैशबैक में कुछ याद आने लगता है। सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, पर इस बार भी वो ली को कुछ नहीं बताता है। घर जाने के बाद पात्रों में ली सोच रही थी कि मैंने तो सही से किस किया था, फिर चैन ऐसा फेस क्यों बना रहा था। लिन थोड़ा शर्मा रही थी, वो चेंग से बार बार छुप रही थी। तो चेंग उसे पकड़ लेता, बोलते कि मैं तुम्हारा दोबारा किस करूँ क्या। वो बोलती क्यों, क्योंकि मुझे फ्लैशबैक में कुछ कुछ मेरी मेमोरीज याद आ रही थी। लिन मना कर देती, अगर उसको मेमोरी याद आ जाएगा तो फिर वो लिन को छोड़कर चले जाएगा, इसलिए मना कर देती है। और चैन लिन का हेयर ड्राई करने लगता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग में लिन जी को सॉरी बोलती कि कोई प्रॉब्लम में उसको डालकर चली गई थी ना, इसीलिए। लिन से बोलती है, देखो यार बार बार ही मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगी, उसके प्यार वार में मत पड़ना, जब उसको याददाश्त आएगा तो तुमको छोड़कर चले जाएगा। पर लिन तो ऑलरेडी उसे प्यार करने लगी थी। जिन परेशान हो जाती, अगर लिन को चेंग के फियांसे के बारे में पता चलेगा तो परेशान हो जाएगी, पर अभी फिलहाल वो चिन चेंग को इसके बारे में नहीं बताती है। इसके बाद हम देखते हैं लिन और चेंग एक साथ मूवी देखने के लिए जाते हैं, तो मस्ती में मूवी देखते हैं। इसके बाद एक कपल का काउंसलिंग हो रहा था, वहाँ पे वो लोग चले जाते हैं। जैसे जैसे वो बंदा करने के लिए कह रहा था वो लोग भी वैसे ही किए जा रहे थे। लास्ट में वो बंदा उन दोनों के पेपर देता है, बोलता है कि तुम अब एक दूसरे के बारे में एक अच्छा एक बुरा बात लिखो। चैन लिखता है कि मैं बहुत ही बुरा था पास्ट में, मैं लिन के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेवियर करता था, लेकिन अच्छा बात उसने ये लिखा था कि जब से मैं लिन के साथ रह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। लिन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, उसको हक कर लेती है, बोलती है कि इस बार मैं विजन ट्रिप से वापस आऊँगी ना तो मैं तुम्हें सारा बात बता दूंगी। अगर चैन को ये सब सच पता चलेगा तो पता नहीं चैन क्या करेगा, ये तो आगे का पार्ट में पता चलेगा। अपने बिजनेस ट्रिप पर गई थी, वो चैंग के पहले वर्कर को ढूंढ रही थी कि वो माहो का हेल्प किया था, वो उसे ढूंढने लग जाती है। उसी तरफ हम देखते हैं कि चैंग बोलता है कि चलो हम लोग खाने पीने कुछ सामान खरीद लेते, वो सुपरमार्केट जाता है। फिर हम देखते हैं कि कोई चैंग को पीछा कर रहा है, तो मॉल में भी उसको पीछा किए जा रहे थे। फिर चैंग को भी डाउट होने लगता है, वो वहाँ से भागने लगता है, और वो दो बंदे भी उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते वो किसी से टकराता है और स्टेयरकेस से नीचे गिर जाता है। चेंग को सर पर चोट लगने की वजह से उसको सारा मेमोरी पहले वाला याद आने लगता है, पेरेंट्स के साथ वाली बातें, अपने भाई के साथ वाली, और चेंग ने उसके साथ बोला था वो सब, वो अपने पेरेंट्स के साथ वाला बात जो वक्त बिताया था वो वाला मेमोरी, अपने फ्रेंड के साथ मेमोरी भी जो बिताया था, अपने भाई के साथ और उसकी फियांसी के साथ, और जो लिन ने उसे झूठ बोली थी कि मैं तुम्हारी फियांसी, सारा बात उसको याद आ जाता है। दूसरी तरफ लिन उस वर्कर को पकड़ लेती है और उसका सारा डिटेल निकलवाने लगती है, किस तरह वो माहौल का हेल्प किया था, इस तरीके से उसका पनिशमेंट कम करा सकती है जब वो पूरा इन्फॉर्मेशन माहो के बारे में दे दे। लिन बहुत डरा हुआ था और वो लिन का बात मान जाता है, हॉस्पिटल में था और वहीं चेंग का असिस्टेंट भी था। अब इस कहानी में ट्विस्ट ये आता है, चेंग का सारा मेमोरी वापस आ चुका है, वो पहले की तरह रूड, एरोगेंट और खरूस फॉर प्रोफेसर बन चुका है, और सीओ भी। जागते ही सबसे पहले माहो के बारे में पूछने लगता है। माहो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसे लगता था कि चैन उसके रास्ते से हट गया है। सभी आज इन्वेस्टमेंट का मीटिंग होने वाला है, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, ये सोचकर तो खुश बहुत ही ज्यादा हुए जा रहा था। वो बहुत बेसब्री से इन्वेस्टर लोग का मीटिंग का वेट कर रहा था। वो जाता है मीटिंग करने के लिए, अब तक तो उसके सारा प्लान के हिसाब से ही हो रहा था। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, माहो को एक मैसेज आता है, जो माहो मैसेज देखकर उसका फेस का रंग ही उड़ जाता है, मीटिंग के बीच में छोड़कर बहाना मार कर मीटिंग से निकल जाता है। उसी तरफ हम देखते हैं लिन को जब पता चलता है कि चैन हॉस्पिटल में, तो वो जाती है हॉस्पिटल में लिन को ढूंढने के लिए। जब वो नर्स से पूछती है तो नर्स बोलती है कि चैन ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुका है। तब लिन को लगता है कि शायद चैन का मेमोरी वापस आ गया है,
जितने भी इन्वेस्टर थे माहो को जाने के बाद मई पे सब चले जाते हैं। वो मई को बोल रहे थे, हमारी गलती, तुमने पहले इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, जिन भी गायब हो चुका है अब हमारे पैसे वापस लौटाओ। फिर एंट्री लेते हैं चैंग एकदम स्टाइल से, हीरो की तरह। लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, नहीं सोचते चलो अच्छा है कम से कम वो वापस तो आ गया। चैंग मीटिंग में जाने के बाद 5 मिनट में सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। चैंग बोलता है सभी इन्वेस्टर से कि आप लोग का जितना भी लॉस हुआ है मैं सबका भरपाई कर दूंगा। चैंग तो ये बोल दिया था पर उतना सारा पैसा वो लाएगा कहाँ से? माहो के कंपनी में बेइंग की सिस्टर ने भी पैसे लगाए थे। जब उसको पता चलता है कि माहो भाग चुका है, उसका पैसा डूब गया है, तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है। जो उसका हस्बैंड होने वाला था, इनका भाई, बेइंग की सिस्टर को थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगा था, तो बहुत ही टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मीटिंग खत्म होने के बाद पुलिस आता है और सबसे पूछताछ करता है, चैंग से भी और चैंग का असिस्टेंट से भी और मेही से भी। मेही पहले ही सब प्रूफ पहले से ले चुकी थी, वो पुलिस ऑफिसर को सारा प्रूफ दे देती है और ये भी बोलती कि मैं ये सब चीज में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। लिन बैठी रहती और सोचती अब क्या करेंगे, अब तो चीन वापस आने वाला है नहीं, क्योंकि उसका मेमोरी रिकवरी हो गया है। उसका इन्वेस्टिगेशन से जितना भी प्रूफ निकला था वो स्पीड पोस्ट से चैंग को भेज देती है, बिना नाम को बिना एड्रेस के अपना। कुछ न कुछ उसको हेल्प तो जरूर होगा। इधर चैंग पुराना बिहेवियर में पूरा वापस आ चुका था, एज यूजुअल की तरह सब पर वो गुस्सा ही करता था। जब उसे यह पता चलता है कि कोरियर रहा है बिना नाम बिना एड्रेस है तो उस पर गुस्सा करने लगता है। जब उसका असिस्टेंट खोल कर देखता है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहता है। फिर वो पुलिस वालों को ये सब इन्फॉर्मेशन भी दे देता है। घर जाने के बाद लिन चैंग का सारा सामान पैक करती है, उसके संग बिताया हुआ मोमेंट वो याद करने लगती है। मई जो है वो चैंग से बात करने जाती है पर चैंग उसे भाव नहीं देता है, वो वहां से चली जाती है। मई को एक आदमी चैंग को और लिन का फोटो सेंड करता है, सोचती है कि लिन के बारे में सब कुछ पता करना ही पड़ेगा। इतने दिन तक चैंग के साथ वो कर क्या रही थी? इसके बाद चैंग अपने भाई के घर जाता है और उसका असिस्टेंट भी उसके साथ ही रहता है। खाना खाते रहते हैं, असिस्टेंट उसका खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया था, इस बात को लेकर ऊपर से गुस्सा करने लगता है। दैट्स मींस उसके अंदर फीलिंग आने लगे थे लिन की वजह से थोड़ा थोड़ा। दूसरी तरफ लिन को यह पता चलता है कि बेई उस कंपनी को उसके डैड के हाथ पे बेचने वाला था, तो ये सुनकर लिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसका मूड पहले से ही ऑफ था क्योंकि चैन उसको छोड़कर चले गया था, वो बेई के पास जाती है उसे बहुत ज्यादा झाड़ती है। लिन को बस इतना प्रॉब्लम था कि तुमको जिसको भी सेल करना है नो प्रॉब्लम, पर तुम मेरे डैड को प्लीज सेल मत करो। इनको डैड को यह पता चलता है कि चैन ने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनके कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किए हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं अभी उस चैन से नहीं मिल सकता, मैं अब पहले अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। वैसे भी उनको तो पुराना हिसाब भी किताब पूरा करना था, वैसे भी ना चाहते, वैसे भी उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड बनके जो रह रहा था जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। चैन अपना असिस्टेंट को बोलते है मुझे नहीं पता तुम कैसे ढूंढोगे, पर तुमको लिन के डैड को ढूंढना ही है। फिर उसका असिस्टेंट चैन को बताता है कि वो अपनी बेटी से मिलने गए हैं, तो वो लोग भी वहीं जाते रहते हैं। फिर वो लोग प्लेस पर जाते हैं। लिन भी कुछ काम से ऑफिस से बाहर आई हुई थी। जब लिन चैंग को रोड के दूसरी तरफ देखती है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, वो उसके पास जाती, वो जल्दी जल्दी चैन के पास जाती है, पर चैन उसको इस तरह इग्नोर करता है, लगता है उसको कभी जानता ही नहीं था। लिन को भी बहुत बुरा लगता है तो वो भी जाने लगती है। लिन अपने मन को मनाती है, फिर वो चैन के पीछे जाती है। जितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग था दोनों के बीच में वो क्लियर करना चाहती थी। उसको लगता था कि उसने इतना सारा हेल्प किया, एटलीस्ट वो थैंक्स भी बोलेगा, पर था तो वो अकरू और एरोगेंट। वो तो अकरू की तरह उससे बातें करता है और बोलता है तुम्हारी वजह से इतना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, मैं मर भी सकता था, मेरी जान के भी खतरा थी, तो बोलती कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पास रख रही थी। बोलती नहीं, तो बिजनेस डील के लिए अपने पास रख रही थी। चैन बोलता अगर तुमने मुझे हॉस्पिटल से लेकर नहीं गई होती, मेरा असिस्टेंट सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देता और माहो अभी पुलिस के अंडर होता, लिन को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, वो जाने लगती है। फिर चैन उसे रोकता है और बोलता है कि ये सब ड्रामे के बीच में तुम भी उसमें इन्वॉल्व थी। लिन बोलती है कि ये ड्रामा में अकेली इन्वॉल्व नहीं थी, तुम भी इन्वॉल्व थे, तुमने पहले मुझसे प्यार का इजहार किया था, और बोलकर वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद उसके डैड आ जाते हैं चैन से बातें करने के लिए। डैड को लगा था कि पहले की तरह वो बहुत डरा सहमा लड़का होगा, पर एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, वो तो अभी चेंज हो चुका था, इसलिए तो बिजनेसमैन की तरह वो जाता है उसके डैड से बातें करने के लिए। वो लिन के डैड को बिजनेस प्रपोजल देता है, पर लिन के डैड को बिजनेस प्रपोजल बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसके डैड को यह जानना था कि उन लोगों के बीच में क्या ब्रेकअप हो गया है, पर चैन बोलता है कि हम दोनों के बीच में उस टाइम कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, मुझे उस टाइम का बात कुछ भी याद नहीं है, पर हम दोनों अब एक साथ नहीं है, अब ये सब बात खत्म करें, हम लोग क्या पॉइंट पर बात करें बिजनेस के रिलेटेड। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं
जिंग को बेई के सिस्टर से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम थी। वो जिसे शादी करने जा रही थी उस पर उसका क्रश था। इसलिए वो अपना लिपस्टिक से उस बेई के सिस्टर के कार पर बहुत सारा लाइनें ड्रॉ कर देती है। जब वहाँ पर बेई के सिस्टर आती है तो जिन बोलता है कि मैंने गलती से हो गया है, मैं तुम्हें अपना नंबर दे दी हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे कॉल करना, मैं इस बिल पे कर दूंगी कार वॉश का। जैसे ही लिन का भाई आता है चेंज पूरी चेंज हो जाती है। वो बहुत ज्यादा सॉरी बोलने लगती है, बोलती है गलती से हो गया था, मैं जानबूझकर नहीं की हूँ, मैं इसका कंपनसेशन भी दे दूंगी। लिन का भाई बोलता है कोई बात नहीं, गलती से हो गया होगा, छोड़ो ना, कोई कंपनसेशन देने का जरूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स है। अब वो उसको कुछ ज्यादा ही क्लोज जाने लगता है। पर जिन को ये सब देख कर बहुत ज्यादा जलन फील होता है। वो लोग रोमांस, इसीलिए जिन लोगों को रोमांस करने देती नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं मई तो शांति से बैठने वाली थी नहीं। बंदा को हायर करके लीक के बारे में सारा डाटा निकलवाती है उसके पेरेंट्स का, फैमिली का, फ्रेंड्स का, पर उस डाटा में चैन के बारे में कुछ भी नहीं था। जो होती अपने कंपनी को सेल करने के लिए मान जाती है पर उसके डैड को नहीं। तो जिन भी सोचते हैं कि कौन हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, वो लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। मई जो होती है वो चेंग के घर आती है उसके लिए खाना लेकर, और उसके फ्रिज में खाना रखने लगती है। चेंग तो बस उसे देखे ही जा रहा था, कर क्या रही है ये। चेंग तो साथ रह नहीं सकता था, तो मई ही से पूछ ही लेता है कि तुमको माओ के साथ क्या रिलेशनशिप था। तो मई ही तो सच बोल नहीं सकती थी, लोग झूठ बोलती है और बहुत सारा बहाना बना देती है। साथ कुछ ज्यादा इमोशनल ड्रामा करने लगती है कि हम लोग कितने अच्छे थे पहले, कितने खुश थे साथ में, पर चेंग तो था एरोगेंट, वो तो पिघलने वाला था नहीं ये सब रोने वाला ड्रामा से। और नेक्स्ट मॉर्निंग में ली के कंपनी में इन्वेस्टर की मीटिंग थी। वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि किसी को पता नहीं था कि उनके इन्वेस्टर कौन है। तुम लोग सोच सकते हो कि वो कौन था इन्वेस्टर। ऑफकोर्स ली वो चेंग था। चेंग आता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, अली तो उसका शक्ल ही देखती रह जाती है। चेंग के कंपनी से जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन थे, चेंग उसमें से एक भी मानने को रेडी नहीं था। अपनी तरफ से नया आर्गुमेंट रेडी करता है और ली को पढ़ने के लिए देता है। वो लोग पढ़ते हैं लेकिन उसमें से बहुत सारा पॉइंट है जो ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। दोनों के बीच में बहुत बड़ा बहस हो जाता है। इसके बाद दोनों टीम ब्रेक लेता है इस प्रपोजल पर डिस्कस कर सके। इसके बाद चेंग ली से बात करने के लिए जाता है, तो लिंग बोलते तुम क्या पहले वाला मुझे स्टूडेंट समझ कर रखे हो, जो तुम्हारा हर बात सुन लूंगी और तुमसे डरती रहूंगी। तुमसे कोई डरने वाली नहीं हो, तुमने जितना भी मुझे कॉलेज टाइम में परेशान किया था ना, मैं सबका बदला लूंगी तुमसे। चेंग बोलते ठीक है हम लोग देख लेंगे, इतना अच्छा मैंने तुम्हें टर्म एंड कंडीशन दिया है ना, इतना अच्छा कोई टर्म एंड कंडीशन देगा भी नहीं, पहले सोच लो इसके बाद तुम मेरे से डिस्कस करना। आगे इन लोगों के बीच में क्या ट्विस्ट है, ये दोनों एक दूसरे से लड़े जा रहे थे, ये एक दूसरे का बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। इसी के बीच में लाइट चली जाती है और वो लोग रूम में लॉक हो जाते हैं और उन लोग का फोन का टावर भी नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ कंपनी के सभी लोग उन दोनों का वेट कर रहे थे और लोग सोच रहे थे कि ये दोनों गायब कहाँ हो गए, अभी तक मीटिंग में आए क्यों नहीं। ली को बोलते इस रूम का कहीं न कहीं इमरजेंसी की तो जरूर होगा। वो ढूंढ लेते हैं, की जो था वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर था। वो दोनों पूरा कोशिश करते हैं खोलने का, साथ में टर्म एंड कंडीशंस के बारे में डिस्कस भी कर रहे थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बेई के सिस्टर को जब ये पता चलता है कि चिंग को पहले से ही पता है चेंग और ली का मेमोरी भूलने वाली बात, उसका बढ़िया से बैंड बजाती है क्योंकि पहली बार उसको माहौ के वजह से उसको इतना सारा पैसा डूबा था और उसके डैड अच्छा खासा उसका बैंड बजाने वाले थे। बहुत मेहनत के बाद वो लोग बाहर निकल के आते हैं मीटिंग में और उन दोनों का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया था। दोनों एक दूसरे का टर्म एंड कंडीशन एडजस्ट करते और मान लेते। सब लोग तो शॉक्ड हो गए कि इतने देर में लोग के बीच में हुआ क्या जो इतना इजीली ये लोग टर्म एंड कंडीशन मान लिए। इसी चेंग वहाँ से जाता है, लिन के दोनों फ्रेंड उस पर टूट पड़ते हैं। ली बोलती है कि मैं सब बात बाद में बताऊंगी। अब एग्रीमेंट के हिसाब से ली को 3 साल के लिए चेंग के अंडर काम करना होगा। वो उसकी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली थी और चेंग उससे एक एक बात का बदला लेने वाला था। जेनी चेंग को वार्न करती है कि उसे पंगा मत लो, तो लिन बोलती है कि टेंशन मत लो यार, चेंग वैसे भी चेंज हो गया, हम दोनों के बीच में कोई भी लबी डबी वाला कुछ कहानी नहीं है, बस हम लोग बॉस और सिक्योरिटी है, वैसे भी हम ऑफिस में जाने के बाद वो मुझसे बदला लेने ही वाला है, मुझे पता है। जाकर उसकी फ्रेंड को उस पर ट्रस्ट होता है। फिर हम देखते हैं नाइट में मई आती है चेंग के पास उसके ऊपर डोरे डालने के लिए, उसके लिए खाना वाना लेकर आई थी। वहाँ पे उसको पता चलता है अब जो ली है उसी का इक्वली पावर में काम करने लिए उसी ऑफिस में। मई चेंग पे गुस्सा करने लगती है कि तुमने मुझे एक बार भी पूछा भी नहीं इसके बारे में, सभी जो कंपनी बचा हुआ ना मेरी वजह से बचा हुआ है, इतना राइट तो है कि मैं डिसाइड कर सकता हूँ किस एम्प्लॉय को हायर करना है किस एम्प्लॉय को फायर करना है। मई पर बोलते कि उसको अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने आदमियों को ली के पीछे पूरी तरीके से लगा देती है उसका पूरा डिटेल जानने के लिए, वो आगे क्या करने वाली है उस पर नजर रखने के लिए। अगले दिन से चेंग ने ली का बैंड बजाया हुआ था, बार बार कुछ न कुछ में गलती निकाल
निकालते रहता था और उसे दोबारा काम कराते रहता था। ली भी बहुत हिम्मत वाली थी, उसका हर एक चीज सुन रही थी। इतनी जल्दी तो गिव अप नहीं कर सकती थी ना। वो छोटे छोटे काम के लिए अपने कैबिन में बुला लेता था, मुझे इस कप में कॉफी नहीं पीना है, दूसरे कप में कॉफी पीना है। तो वो गुस्सा को बोलती, तुम्हारी सिक्योरिटी तो खाली बैठा हुआ, तुम उसको क्यों नहीं बोलते हो? बोलता कि नहीं वो बीमार है। ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रही थी। वो अपने कैबिन में बैठी ही थी तभी जिंग उससे बात करने के लिए वहाँ पे आ जाती है। ली अपना दुख दर्द अपनी जिंग फ्रेंड को सुनाती है। एक और इम्प्लॉय आती है, ली से कहती है मुझे ना मई ने काम से निकाल दिया है। इस पे ली तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है क्योंकि उस एग्रीमेंट में था हमारा इम्प्लॉय अपनी मर्जी से काम छोड़ सकते हैं। लीन जाती है मई से बात करने के लिए इसके बारे में, और मई को तो पहले से ही प्रॉब्लम था लीन से, इसलिए दोनों के बीच में बहुत बड़ा वाला आर्गुमेंट होता है। सभी लोग लीन और मई के बारे में बातें करते हैं कि दोनों वाइस प्रेसिडेंट ने को बहुत बड़ा आर्गुमेंट हुआ है, लेकिन फाइनली उसे जॉब पर रख ही लिया जाता है। दोनों खाना खाने जाते हैं तो जिन सोचते है कि मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए कि मई उसकी पहले फियोंसी रह चुकी है। जब वो थोड़ा देर के लिए जाती है तब वहीं पर मई आ जाती है, उसे अच्छा खासा सुनाने लगती है कि मैं उसकी फियोंसी रह चुकी हूँ, मैं उसे बहुत अच्छी फ्रेंड थी। लीन किसी चीज में पीछे नहीं थी, वो अच्छे से जवाब दे रही थी। वो बोलती है कि तुम अगर इतना ही अच्छा उसकी फियोंसी रह चुकी है, फ्रेंड रह चुकी है, तो प्लीज उसको बोलो ना कि मेरा पीछा छोड़ दे। वही की सिस्टर घर जाती है तो उसके डैड एज यूजुअल उसका बैंड बजाते हैं। उनकी फैमिली को लगता था कि लड़कियां लोग काम नहीं कर सकती है, पैसा नहीं कमा सकती है, वो नॉर्मल सा शादी करके घर ही बसा सकती है। इसी के खिलाफ थी वही की सिस्टर। लोगों को क्या लगता था कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा, लड़की लोग क्या कमा नहीं सकती है? वो भी अपने डैड से अच्छा खासा लड़ाई करती है। ली और सिंह इतने दिनों से साथ थे तो चेंग तो ऑलरेडी चेंज हो चुका था, थोड़ा थोड़ा सा ही सही। ली से जब फाइल नहीं उतर रहा था, चेंग आता है उसके लिए फाइल उतारने के लिए। लीन हमेशा की तरह फिर से उसको गलत समझ लेती है। वो बोलती है कि देखो मैं क्लियर कर दे रही हूँ, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, पहले था पर अब मेरे अंदर तुम्हारे लिए अब कोई फीलिंग नहीं बचा है। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं तुम्हारी फियोंसी, पर मैंने तुम्हारे भलाई के लिए बोली थी, लेकिन हो गया तुमसे मुझे प्यार, पर टेंशन मत लो अब मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। और बोलता है कि मुझे भी ना तुम नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करो। चेंग को ये सब सुन के बुरा लग रहा था, पर उसके अंदर तो इमोशंस उतना तो नहीं था ना, थोड़ा थोड़ा था, तो वो अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में मीटिंग रहता है और लिंक प्रेजेंटेशन दे रही थी, तभी वहाँ पे मई भी आ जाती है सेम टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देने के लिए। दोनों को सेम टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देने के लिए चेंग ने परमिशन दे दिया था। ली तो पूरा भड़क जाती है और डायरेक्टली जाती है चेंग के कैबिन में। लीन गुस्से में जाकर सारा सामान इधर से उधर फेंकने लगती है और लीन का भी टाई खींच कर अच्छा खासा उसका क्लास लगाती है। दोनों बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं और एक दूसरे का गाल खींचने लगते हैं। तभी उसके बीच में चेंग का सिक्योरिटी आ जाता है, उसको डांट के वहाँ से भगा देते हैं। लड़ाई होने के बाद चेंग जाता है अपने साइकेट्रिस्ट के पास, वहाँ पे फाइनली सारा फीलिंग ओपन करता है डॉक्टर के सामने। मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ वो होता है, सारा चीज मेरे हार्ट में कुछ कुछ चेंज हो गया। ये सब सुनकर चेंग का सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही ध्यान से सुन रहा था क्योंकि पहली बार अपने बॉस का फीलिंग जो सुन रहा था। उसकी साइकेट्रिस्ट बोलती है कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर ली के लिए फीलिंग आ गई है। नेक्स्ट मॉर्निंग में मई लीन से मिलने के लिए आती है, वहाँ पे फिर से झगड़ा होने ही वाला रहता है, पर सिचुएशन के समझ के लीन संभाल लेती है। वहाँ पे मई लीन को बताती है चेंग के बीमारी जो कोई भी इमोशन वो फील नहीं कर सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर करता है, तुम उसके बातों को बुरा मत मानना। मई के जाने के बाद लीन अपने बिजनेस पे काम किए जा रही थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पे चेंग आता है, नॉर्मल बॉस और एम्प्लॉय के लोगों की तरह बातें करते हैं और प्रॉब्लम को सोल्यूशन खोजते हैं, और लीन उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी कर देता है। ली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, इसी बात पे ली उसको ट्रीट देती है। तभी चेंग का शर्ट का बटन टूट गया था तो लीन अपना हेयर रबर बैंड उसमें लगा देती है। चेंग ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। लीन भी सिंसियरली झूठ बोलने के लिए उसे माफी मांगती है तो चेंग बोलता ओके कोई बात नहीं है। लीन सोचे चलो अच्छा है, दिन में तो इसका दिमाग खराब रहता है, कम से कम रात में तो ठीक रहता है, नॉर्मल लोगों की तरह बातें करता है। लीन नेक्स्ट मॉर्निंग काम करके थक जाती है, वो अपने लिए कॉफी बनाती है। चेंग उससे कॉफी ले लेता है, बोलता है ऐसा शक्ल क्यों बनाई, चलो एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज करने के बाद वो शावर लेके आती है, उसका हेयर गीला रहता है तो चेंग उसको बोलता चलो मैं तुम्हारे हेयर को ड्राई कर दूंगा, पहले तो मना करते फिर वो मान जाती है। लीन को पहले वाला मोमेंट याद आने लगता है किस तरह चेंग उसका प्यार से हेयर ड्राई किया करता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन लोग का फ्रेंड और सिक्योरिटी ये लोग को देखे जा रहे थे, तो ज्यादा ही मजे ले रहे थे दोनों का। इस चक्कर में चेंग तो लीन का बाल ही जला देता है, तो वहाँ से गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। गुस्से में उन चारों को घूरता है ना, तो चारों वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लीन वही के चचेरे से
बातें करना चाहती, उसको अच्छे से समझाती है कि ये सब प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है। तो वही की सिस्टर भी उसे इम्प्रेस हो जाती है, बोलती है हाँ तुम्हारा भाई से शादी करने के बाद मुझे उतना भी घाटा नहीं होगा। वहाँ से जा रही थी तभी वहाँ पे एक लड़का दिखाई देता है, एक्चुअली में ये वही लड़का था जो ली के ऊपर नजर रखा हुआ था, लेकिन वो झूठ बोल देता है कि एक न्यूज रिपोर्टर है। ली बेचारी उसकी हेल्प करने लगी थी क्योंकि उसका कैमरा टूटा हुआ था ना, वो उसे रबर बैंड लगाकर उसको बांध रही थी, ये सब देख रहा था चेंग। और उसे होने लगता है जलन जब वो लड़का उसे नंबर मांगता है तो चेंग पर गुस्सा आता है, उसको लेकर वहाँ से चला जाता है, गुस्सा होकर उसको रबर बैंड देने लगता है। लिन को तो समझ में नहीं आ रहा था कि चेंग जलस हो रहा है, उसे लग रहा था कि उसकी बीमारी फिर से हो रहा है क्या। लिन को तो समझ में नहीं आता मैंने ऐसा किया कि इतना भड़क क्यों रहा है मेरे ऊपर ये। उसी टाइम पुलिस ऑफिसर आता है, बोलता है कि केस के बारे में हमें तुम दोनों से बातें करने हैं, तुम दोनों को पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, और उन लोगों को लेकर जाता है वहाँ से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वही वैसे ही ढक्कन था, वो फ्रॉड कंपनी के साथ डील कर लिया था, वो आधा ही एग्रीमेंट जिंग को पढ़ने के लिए दिया था और बाकी दूसरा एग्रीमेंट बिना पढ़े ही साइन कर दिया था। पहले तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है वही पे, उसका हेल्प करने के लिए मान जाती क्योंकि उसका फ्रेंड थी ना, इसीलिए वो जाती है लॉयर बन के और उसका मैटर अच्छी तरीका से संभाल लेती है और उसका बहुत बड़ा लॉस होने से बच जाता है। उसमें एक नमक का ढक्कन है, पता नहीं सीओ क्यों और चैंग को दोनों को पुलिस पकड़ कर लेके जाती है और दोनों को डिफरेंट डिफरेंट रूम में रखकर बहुत सारा क्वेश्चंस पूछती है। जब पुलिस लीन से पूछती है कि तुम्हारा चैंग के साथ क्या रिलेशन है, हम लोग को तो पता ही है लीन कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन है, वो अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है, वो अपना रोना धना वाला ड्रामा स्टार्ट कर देती है और बढ़ा चढ़ा कर पुलिस को बहुत ही ज्यादा बोलती है, पहले हम लोग कपल थे, हम दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, वो हमेशा मुझे भूखे ला के देते थे, वो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, पता नहीं अब क्या होगी, अब मुझे बात बात पर गुस्सा करते हैं, मुझसे बहुत रूडली बिहेवियर करते हैं, और बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर उसको कहानी बनाकर पुलिस को सुना रही थी। जब पुलिस ऑफिसर ये बात चैंग को बताता था, चैंग बहुत ज्यादा हंसता है, अब सोचता है सचमुच बहुत बड़ा ड्रामा क्वीन है। वो लोग जब बाहर निकलते तब मई चैंग का वेट कर रही थी, जब चैंग मई से पूछता तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, उसे तो उन दोनों पर नजर रखना था तो वो झूठ बोलती थी कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, और वो दोनों को कॉफी देती है। वो बंदा को पकड़ के ले जा रहा था जो प्रीवियस वाला एपिसोड में चैंग उन लोग को साथ में देख के जलस हुआ था, उसका नाम बता देती है। इसके बाद हम देखते हैं जब वो बंदा को पुलिस ऑफिसर पूछताछ करने के बाद छोड़ देता है तो उसका पैर में पेन होने लगता है, तो ली को बोलता है हेल्प करने के लिए। जब उसका हेल्प करने लगे तो चैंग को ये सब देखकर और भी जलस हो रहा था, वो उस पर बार बार बोल रहा था, बेचारा कुछ कर भी नहीं पा रहा था, लास्ट में उसको बोलता है छोड़ दो मैं बहन खुद कर लूंगा। इसके बाद वो लोग जाते हैं तो लीन गलती से चैंग के ऊपर कॉफी गिरा देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बेचारी चैंग का दिल तो पहले से ही टूटा हुआ, उसका क्रश का एंगेजमेंट जो हो रहा था ये सब बही को देख कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जे कुछ ज्यादा ही ड्रंक कर ली थी और टुल्ली हो गई थी। यही के वहाँ पे एक लड़का एक लड़की के संग फाइट हो जाता है, अब बही जो वहाँ पे हीरो की तरह आता है और जिंग को बचा लेता है, फिर चैंग उसे लेकर भागने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं चैंग लू को बोलता है कि चलो तुम मेरा कपड़े पर जो कॉफी गिराए थे उसको क्लीन करो। वो लोग जाते हैं जहाँ पर ड्रेस क्लीन करते हैं, वहाँ पे वो लोग कॉफी पीते रहते हैं। तब चैंग लिन से पूछता है कि तुमने इतनी बड़ी कहानी बनाकर जो पुलिस ऑफिसर को बताई थी क्या वो सब सच है। लिन बोलती सब तो सच नहीं है पर कुछ कुछ बात सच है, बोलती है कि ये सब की वजह से हम मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। चैंग सोचता है कि बहुत अच्छा मौका है, मैं उसे बता ही देता हूँ कि मैं उसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन इससे पहले ही लिन उसे गहक कर लेती और बोलती कि अब टेंशन मत लो, अब मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, मैं तुम्हें बॉस की तरह ट्रीट करूंगी और तुम मुझे सिक्योरिटी की तरह ट्रीट करना, और कोई हम लोग का स्पेशल रिलेशनशिप नहीं होगा। चारा चैंग सोचता है कि मुझे तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला, ये सब बोल के वहाँ से तो चली जाती है, लेकिन बेचारा चैंग सोचते रहता है मैंने क्या गलत कर दिया। जब लिन घर जाती है तो वहाँ पे देखती है जिंग और बेई पहले से ही वहाँ पे थे। वो लोग सभी लोग मिलकर ड्रिंक करते हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। ली ड्रिंक करते हुए बोलती है कि मैंने चैंग के साथ ब्रेकअप कर लिया, अब उसके लिए मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, आज से मैं फिर से सिंगल हूँ, मैं अपना लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ फुल ऑफ मस्ती। इस टाइम जे भी बोलती है कि मैंने तो जो गलती किया मुझे माफ कर दो, और ली भी उसे माफ कर देती है। चैंग जब घर जाता है तो वो लोग खाने के लिए बैठते हैं तो चैंग का बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था क्योंकि उसका दिल तो टूट चुका था ना, और लिन उसका तो बात भी नहीं सुनी थी बेचारे का। भाई और सिक्योरिटी भी सोच रहे थे कि अंदर फीलिंग आने लगी है, चेंज हो गया है, और चैंग को तो नींद भी नहीं आ रही थी, वो सोफा सेट पर बैठता है बार बार लिन के बारे में ही सोचे जा रहा था, उसका हार्ट बीट भी तेज हो रहा था, इतना भी कोशिश करता है सोने का पर उसको तो नींद ही नहीं आता है। फिर वो ली को मैसेज करता है, पर ली तो ऑलरेडी ड्रिंक करके टल्ली हो गई थी, वो तो कोई देखती भी नहीं है फोन को। दूसरी तरफ हम देखते हैं माहो जो रहता है वो पैसा लेकर शहर छोड़ने का प्लान करता है, तभी उसे मिलने के लिए मैं ही आती है और बोलती है कुछ दिन तक तुम टाउन में ही रहो वरना तुम पकड़े जाओगे।
और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले भी हेल्प किया है ना, अगर मैं नहीं करती तुम कब का पकड़े जाते। माहो के पास कुछ ऑप्शन था नहीं मेरे पे ट्रस्ट करने के लिए की वजह। तुम लोग कुछ तो बड़ा प्लान कर रहे थे, पर क्या है तो आगे ही पता चलेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग लोग उठते तो पूरा घर इन लोग का तहस महस हो गया था। बेई के फेस पे तो बहुत ही ज्यादा कार्टून बने हुए थे, इनफैक्ट सभी के फेस पे बने हुए थे। तभी जिंग नहा कर बाहर निकलती है हॉट सेक्सी की तरह, तो वही तो उसे देखते ही रहता है। लगता है कि उस पर उसी टाइम वो लट्टू हो गया है। तो लगता है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ केमिस्ट्री तो बननी ही वाली है। जिंग उसे आके बेई को परेशान करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं मेमोरी आने के बाद भी वो बेई से वेबसाइट पर बात करना नहीं छोड़ा था, कैसे लव रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट किया जाए। उसने कुछ पूछा था तो उसने आंसर भी दिया था उसकी सिक्योरिटी को बोलता वैसा करने के लिए, तो उसका सिक्योरिटी बिल्कुल वैसा ही करता, जो जो बोला था वो सामान लेकर आ जाता है। वो गिफ्ट तो मंगा लिया था, पर प्रॉब्लम ये था कि वो किस तरह उसको देगा। जिंग जब ली को गिफ्ट देता है तो लू पूछती है कि किस लिए तूने मुझे गिफ्ट दिया, मैं बर्थडे भी तो नहीं है। तो घबरा जाता है, बहाना मारता है कि मुझे ऑफिस वाला ने झूठ बोला था कि तुम्हारा आज बर्थडे है, हो सकता है गलती हो गया हो, मैंने ले ही लिया तो तुम रख लो। तो ली देखती है शूज है। फिर इनको याद आती कि वो अपने फ्रेंड लोग से बात की थी कि किसी को इम्प्रेस करना है तो ऐसा गिफ्ट देना चाहिए। फिर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती है। चैंग के पास दूसरा गिफ्ट था, वो था कपल वाला टी शर्ट, और उसको कैसे देगा वो तो कंफ्यूज था। फिर बहुत ज्यादा हिम्मत करने के बाद उसको दे ही देता है। सिक्स पैक्स की तरह वो अपना वाला भी टी शर्ट दिखा रहा था, उसको बताना चाहता था कि हम दोनों कपल है। और लीन ये सब देख के उसको समझ भी नहीं आ रहा था, उसे लग रहा था कि इसको फिर से पागल का दौरा पड़ गया है क्या। वहाँ से चली जाती है। लीन अपने ऑफिस में आती है तो जिंग उसे पूछने के लिए आती है क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गया है क्या। लीन भी उसको सारा बात बता देती है कि जिंग ने उसको क्या क्या गिफ्ट दिया है। जिंग बोलती है कि मुझे लगता है ना कि इसका प्रॉब्लम और बढ़ गया है, इसका बीमारी और बढ़ गया है, तुम उसके साथ ना दूरी रहना और उसके साथ नॉर्मली बिहेव करना। जिंग उससे बात करने के लिए किसके कैबिन में आता था, जिंग बाहर चली जाती है। चैंग बोलता है कि मैं बॉस और सिक्योरिटी के रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता हूँ। तो ये बोलती है कि इसका बीमारी सचमुच बढ़ गया है। वो बोलती है हमें समझ गई, मैं समझ गई, और चैंग को बोलने का कोई मौका ही नहीं देती है। चैंग सोचता है ये मेरी मन की बात कैसे समझ गई। चैंग जब घर जाता है तो ये सब बात सिक्योरिटी और अपने भाई को बताता है। बोलते कि हम लोग की तो गर्लफ्रेंड नहीं है, पर हम दोनों तुम्हारा हेल्प जरूर करेंगे। इनका सिक्योरिटी उसे कॉमिक बुक देता है जिसमें रोमांस के बारे में लिखा हुआ था, किसी से रोमांस कैसे करें। उस बुक में ये लिखा हुआ था कि लिफ्ट में कैसे रोमांस किया जाए। सोचते तो अजीब नहीं है, फिर तो उसे करना ही था क्योंकि वो लिन से प्यार जो करने लगा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चिंग जो है वो लिन को अपने एंगेजमेंट में इनवाइट करने के लिए आया था। उनको तो ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था कि उसका भाई सचमुच शादी करने वाला है। उसका भाई चैंग के बारे में पूछता है तो ली बोलती है कि हाँ अब तो हम लोग के बीच में कुछ नहीं, हम लोग साथ में नहीं, उसका मेमोरी रिकवर हो गया है ना, इसके बाद उसका दुनिया अलग है, अब मेरा दुनिया अलग है। नेक्स्ट डे चैंग और लिन एक साथ लिफ्ट में मिलते हैं ना, तो चैंग को बुक वाला बात याद आता है कि रोमांस कैसे किया जाए लिफ्ट में। वो सोचता है कि लिफ्ट में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, अब मैं लिन को प्रोटेक्ट करूंगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जब वो लिफ्ट में बहुत सारे लोग आते तो है पर उसका चैंग का सिक्योरिटी रोक देता है। बेचारे का ये प्लान तो फ्लॉप हो जाता है। फिर वो दूसरा प्लान करता है कि लिफ्ट में कैसे रोमांस किया जाए। वो मन में सब सोच के हंसी रहा था, बेचारी सोच रही थी कि सचमुच ही पूरा पगला गया है। चैंग उसके साथ कुछ करता है, उससे पहले ही उन लोगों का फ्लोर आ जाता है और वो चली जाती है। चैंग ऑफिस में भी बहुत कोशिश करता है उसको प्यार का इजहार करने का, पर एक्चुअली कितना बैड लक है उसका, वो कर ही नहीं पा रहा था। लिन इसको बार बार गलती समझ ले रही थी। तो लगता था कि चैंग के अंदर तो कोई इमोशन है नहीं, इसकी बीमारी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जय बहुत बड़ा काम करने जा रही थी, वो अपने क्रश को शादी में जा रही थी। वो उसको प्यारा सा बुक देती है और अपनी तरफ से उसके लिए फीलिंग खत्म कर लेती है। भाई तो उसे मना कर रहा था फिर भी हो जाती है, फिर उसको बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये पार्ट हम लोग का यहीं खत्म हो जाता है। आगे और कैन और चैन दोनों न्यू इन्वेस्टर कंपनी से मिलने के लिए जा रहे थे। जब रास्ते में जा रहे थे तो उन लोग को पता चलता है कि वो लोग उनसे बात करने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। भी लीन दिमाग लगाती और कहती कि चलो आज मैं तुम्हें एक लेडी से मिलाने के लिए ले चलती हूँ, शायद वहाँ पे हम लोग का काम हो जाए। अब वो लोग इस लेडी से मिलने के लिए जाने वाले थे, एक मेल मॉडल ढूंढ रही थी जो की मसाज मशीन का एडवर्टाइजमेंट कर सके। वो चैंग को देखती तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, उसे ही अपने इस प्रोडक्ट को मॉडलिंग करने के लिए बोलती है। वहाँ पे ली आ जाती और कहती हम लोग बस यहाँ पे आपका प्रोडक्ट देखने के लिए आए थे, सचमुच मुझे आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। चैंग को भी बोलती है कि मॉडलिंग करने के लिए रेडी है, सब टेस्टिंग करने के लिए लेके जाते हैं। लिन इस लेडी के साथ जाती है। वहाँ पे लिन बात बात पे अपनी कंपनी का बात करती रहती है। यह लेडी कोई और नहीं, तो कंपनी के साथ वो डील करने के लिए जा रहे थे उसी की वो वाइफ थी। पहले ही समझ जाती है कि किस कंपनी से आए। वो लेडी बोलती है कि मैं तुम्हें डील कराने में तो हेल्प नहीं कर सकती, मैं इतना बता सकती हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड को किस तरीके से कन्विंस कर सकते हो इस डील के लिए। वो बहुत
अच्छे अच्छे आइडिया देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बेचारे चैन का अच्छे खासा बैंड बज रहा था, वहाँ पर ली आकर उसे बचा लेती है। वो सभी नर्स के सामने से उसे बचा कर लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ मैं उस रिपोर्टर के साथ मिलकर लिन को फ्रेम करने की कोशिश कर रही थी। पहले वाला प्लान तो काम नहीं आया, तो कोई और तरीके से वो लिन को बदनाम करने का फिर से कोशिश कर रही थी। बेचारी जी, उसका तो टूटा हुआ दिल था क्योंकि उसका क्रश का शादी जो हो गया था। बैठ कर वो ड्रिंक कर रही थी और उसे संभाल रहा था वही। तभी उसको ली का कॉल आता है कि ऑफिस जल्दी आने के लिए। सभी लोग काम करने लगते हैं क्योंकि जो लास्ट प्रोजेक्ट था ना, उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना था। चैंग नॉर्मल बॉयफ्रेंड की तरह लिंग का ख्याल रखने लगता है। सब लोग ये सब सुनकर चौंक जाते हैं और घूरने लगते हैं। दोनों के बीच में जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पकड़ा है। सब लोग तो आपस में ही बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फाइनली चैंग का और एंगेजमेंट हो गया था वही के सिस्टर के साथ। वो लोग रूम में एंट्री करते हैं तो वही के सिस्टर ये सब देख के एकदम चौंक जाती है। का बड़ा भाई का रूम हनीमून वाला स्टाइल में पूरा डेकोरेट किया हुआ था। वो लोग वहाँ से निकलने का सोचे थे, तभी चैंग का बड़ा भाई आ जाता है और उन दोनों को रूम में वो लोग को रूम में अंदर धक्का देकर गेट बाहर से बंद कर देता है। एपिसोड के शुरुआत में ये लोग जो लेडी से मिले थे, ली से कुछ ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसके लिए गिफ्ट भी भिजवाती है। बोली थी कि अगर तुम फ्री हो तो मिलने आना, वो अपने भाई से इंट्रोड्यूस उसको कराएगी। यह बात पर के चैंग कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से से मशीन में पैर मारता है। उसी का पैर में चोट लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो जब ऑफिस में जाता है तो लीन काम करके थक के वहीं पर सो गई थी। पहले वो प्यार से देखता है, फिर उसे उठाता है, बोलता है तुम्हारी न्यू फ्रेंड ने तुम्हारे लिए चेयर गिफ्ट किया है। तो पूरा ही खुश हो जाती है, उसमें जाके आराम से बैठ जाती है। चैंग उसे परेशान करने के लिए मसाज मशीन का स्पीड बहुत तेज कर देता है। तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जलन किस चीज से हो रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग में लिंक के बारे में सब कुछ उल्टा फुल्टा न्यूज आ गया था। ये सब कराने वाली थी मैं। लिंक का बचपन का A to Z इन्फॉर्मेशन मीडिया में आ गया, किसकी बेटी है, एक्चुअली उसके डैड उसको छोड़ के चले गए थे, ये सब सारी बातें। उसे भी उन दोनों का कंपनी मर्ज होने वाला था और ये सब न्यूज उन्हें कंपनी पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला था। चैंग डिसाइड करता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेगा और सब कुछ क्लियर कर देगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिन इन्वॉल्व नहीं होगी। लिन उसे बात करने की कोशिश भी करती है पर चैंग उसे मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम ऑफिस के अंदर का काम संभालो, बाहर का मैं देख लूंगा। यही बात ली की फ्रेंड चैंग को भी पता था क्योंकि वो लॉयर थी, मैटर में वो हेल्प करने वाली। वह कहता है कि लिन को तुम इस मैटर से दूरी रखो, मैं नहीं चाहता कि वो लोग मेरी कमजोरी का फायदा उठाए। वो अपने बड़े बेटे से पूछता है कि ये सब बीमारी के बारे में और न्यूज के बारे में, तो उसका बड़ा बेटा बोलता है कि मुझे पहले से ये सब चीज के बारे में पता था। लिंक का बड़ा भाई बोलता है कि अच्छा ही है ना कि उसके पास कोई इमोशन नहीं है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए माइंड को बहुत शांत रखना पड़ता है, वैसे भी को तो गुस्सा आएगा नहीं। रही ये बात ली के लिए भी, तो वो बहुत अच्छा है ना, उसका बॉयफ्रेंड कभी उस पर गुस्सा ही नहीं करेगा। उसको डैड सोच रहे थे कि थोड़ा साइको टाइप का है क्या। रात में ली जब जीसे से बात कर रही थी, पता चल उसे जे बताती कि अगर अभी भी हमारे कंपनी को कोई ढंग का इन्वेस्टर मिल जाए तो हम लोग कंपनी का मैटर संभाला जा सकता है। उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था। वो चैंग के बड़े भाई को कॉल करती है वो इन्वेस्टर के बारे में बताने के लिए। तो भाई इन्वेस्टर के बारे में बता तो देता है पर उसका दिमाग में कोई और प्लान चल रहा था। अपने डैड को बताता है कि मैंने ली को ऐसे इन्वेस्टर के पास भेजा है ना जिसके बारे में चैंग सुनेगा ना, तो वो उसे हम लोग को पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि उसके मन में ली के बारे में फीलिंग है या नहीं। तीनों मिलकर प्लान करने लगते हैं जहाँ पे ली गई है इन्वेस्टर से मिलने के लिए, कैसे वहाँ का सिचुएशन हम लोग देख सकते हैं। सीन में चैंग फाइनली इंटरव्यू करने वाला था, वहाँ पे जिंग और एक और स्टाफ प्रेजेंट थे। वो गलती से बोल देती है कि लीन ब्लाइंड डेट पर गई है। एक्चुअली कोई ब्लाइंड डेट पर गई नहीं, तो वो इन्वेस्टर से मिलने के लिए गई थी। जब ये बात चैंग सुनता है तो इंटरव्यू छोड़कर वहाँ से निकल जाता है उससे मिलने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते ली इन्वेस्टर से मिलने के लिए रेडी थी। इन्वेस्टर आता है, एक नंबर का फ्लर्टी आदमी था। उसे कोई भी फीमेल एम्प्लॉय मिल जाए ना, वो फ्लर्ट करने से बाज नहीं आता है। यहाँ पर भी वो वही कर रहा था। वहाँ पे वो लोग वही के सिस्टर को भेजता है वीडियो कॉलिंग करके उन लोगों का सिचुएशन को दिखाने के लिए। जैसे ही फ्लर्टी आदमी लीन का हाथ पकड़ता है, वहाँ पे चैंग आ जाता है, बिना कुछ पूछे बिना कुछ सुने उसे अच्छा सा धुलाई करना चालू कर देता है। He was like, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ कैसे लगाया। इस चक्कर में चैंग को भी थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। जल्दी जल्दी ली उसे वहाँ से लेकर के जाती है। वो उसका घाव पे मलहम लगा रही थी और दोनों ये सिचुएशन सोच सोच के बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे। ये दोनों बात ही करते तभी चैंग को अंकल का कॉल आता है। यहाँ पे पुलिस लोग आए हैं और वो अपने साथ ली को लेके जाता है। उसकी अंकल आंटी से बात कर रही थी, उसकी आंटी अभी व्हील चेयर पे थी। पुलिस ऑफिसर को डाउट था ये सब चीज में उसकी आंट भी इन्वॉल्व है। ये
के बारे में वो लोग पूछताछ करने के लिए वहाँ पे आए थे। वो लोग चीन से बात कर रहे थे। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद उसके अंकल बोलते, तुम अगर यहाँ पे आए हो तो अपने मॉम डैड के सामने उनको प्रणाम ही कर लो। वहाँ पे जाकर अगरबत्ती जलाता है। इनके पास तो कोई मोशन था नहीं। उसकी आंट पूरी गुस्सा हो जाती है, बोलती कि तुम्हें भी उस एक्सीडेंट में मर जाना चाहिए था। तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम डैड की डेथ हुई है। तुम कैसे इंसान हो, तुम एक आंसू तक नहीं बहाए। बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। लिन चेंग को वहाँ से लेकर कर जाती है। रास्ते में चेंग को कुछ ज्यादा ही सफोकेशन लग रहा था। वो लिन को बोलता है गाड़ी रोकने के लिए। जब लिन गाड़ी रोकती है तो जल्दी से कार से बाहर निकलता है। वो बहुत ही ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब था। चलते चलते सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। वो चलते चलते अचानक से सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। ली जाकर उसे संभालती है और उठाती है उसे। वो उसे हक कर लेता और एक ही बात बोल रहा था, मेरी मॉम का कहना था कि प्यार एक फेक है। ये सब चीज की वजह से उसके माइंड में कुछ ज्यादा ही इफेक्ट पड़ा था। वो लोग एक साथ बैठते हैं और चेंग अपने बारे में बहुत कुछ बताता है और ली भी अपने बारे में बहुत ही ज्यादा कुछ बताती है। तभी चेंग लिन को किस करता है। इसका मतलब वो दोनों अब रिलेशनशिप में आ चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक बंदा जो पीछे रहता है वो इन दोनों का फोटो क्लिक करता है। फोटो क्लिक करके भेज देता है मई को। मई जैसे ही अपना अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश करती है वो हो नहीं पाता है। वो समझ जाती है कि पुलिस लोग को भी उस पर डाउट होने लगा है। जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल रही होती है। मॉर्निंग में ये लोग लिफ्ट में रोमांस कर रहे थे। इम्प्लॉय लोग उन दोनों को रोमांस करते हुए देखते हैं ना, वो लोग यहाँ से खसक जाते हैं। फिर वो लोग वहाँ से मीटिंग अटेंड करने के लिए जाते हैं। वो लोग सभी लोग लिन और चेन के बारे में बातें कर रहे थे। वहाँ पे सभी लोग इस बारे में बातें कर रहे थे। वहाँ जो लॉयर आए थे वो चेन का सारा डिटेल ले रहे थे। फिर उन्हें पता चलता है किसी ने ली का पूरा पर्सनल डिटेल लीक कर दी है और उसकी मॉम का भी। जब ली को डैड को पता चलता है कि ली का पर्सनल डिटेल लीक हो गया है तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने लगते हैं। सबके जिम्मेदार चेंग को मारने लगते हैं। तो बड़ा बेटा बोलता है कि डैड आप टेंशन मत लीजिए, इस प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन निकाल दूंगा। अब मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे चेंग है। जब ये न्यूज वही की सिस्टर देखती है तो वो भी परेशान हो जाती है। वो अपने फियांसे को वही के पास लेकर जाती है क्योंकि वो बहुत बड़ा मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना। वही वो अपने चैनल पे कुछ बोलेगा तो शायद कुछ चेंज हो जाए। ली इधर ऐसे शो कर रही थी सभी कलीग के साथ कि कुछ हुआ ही नहीं है। चेंग उसे बातें करने के लिए जाता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो लिन बोलती कि ऐसा कुछ बात नहीं है, ये सब छोटे लोग तो बोलते ही रहेंगे, मुझे इस लोगों को बात पर उतना ध्यान नहीं देना है। मेरे पास तुम हो ना तो मुझे जरूर प्रोटेक्ट करो, मुझे पता है, छोड़ो ये सब बातें। और फिर वो लोग वहाँ पर रोमांस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर ली का बड़ा भाई आ जाता है उससे बात करने के लिए और चेंग वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ली का बड़ा भाई ये बताने आता है उसके डैड और उसकी मॉम ऑलरेडी मैरिड थे। जब ली की मॉम कुछ ज्यादा ही बीमार थी, उनका आखिरी टाइम था, तब जाकर उन्होंने मैरिज रजिस्टर कराया था। इसी रीजन से ये बात वो ली को अब तक नहीं बताए थे। ली खुश हो जाती है कि उन लोग का रिलेशनशिप कम से कम वैलिड तो है। उसके दोस्त लोग वही का लाइव टेलीकास्ट आने का वेट कर रहे थे। वही जो है पहले मास्क पहनकर सबके सामने आता है और ली का टॉपिक निकालता है। विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए आ जाता है चेन और अपने मन का बात रखता है। और इसके बाद लोगों को कितना सच्चाई समझ में आता है वो तो वीडियो के आगे ही पता चलेगा हमें। नहीं जो है वो चेन को ईमेल करके अकेले होटल में बुलाती है। वो चला भी जाता है उसे मिलने के लिए, शायद आगे कुछ सबूत मिल सके उसके खिलाफ। चेंग अपना दिमाग लगाकर वहाँ पे गया था। वहाँ पे उसने 10 मिनट का टाइमर सेट किया था। बोल क्या है, अगर 10 मिनट के बाद ईमेल आ गया तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है। मैं वहाँ पे अच्छी तरीके से चेंग से बातें करती है। वो बोलती कि मैं ऑफिस से रिजाइन करके हमेशा से छोड़ उड़ कर वहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, लास्ट टाइम मैं तुम्हारे संग ड्रिंक करना चाहती है। और उसे ड्रिंक पिलाती है। एक्चुअली उसने वाइन में कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से चेंग को पूरा नशा होने लगता है। मई जो है वो अपना रोमांस करना स्टार्ट कर रही थी चेंग के साथ। अपना जो दिल का इच्छा रहता है वो पूरा करना चाहती थी क्योंकि उसे चेंग तो किसी हालत में ऐसे मिलने वाला था नहीं, तो उसके संग जबरदस्ती करने की कोशिश करती है। इधर ली चेंग पर कॉल किया जा रही थी, मैसेज किया जा रही थी। चेंग ना कॉल का रिप्लाई कर रहा था ना मैसेज का रिप्लाई कर रहा था। वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। अब यह पता करने के लिए चेंग का सिक्योरिटी कॉल करती है पर उसका सिक्योरिटी कुछ नहीं बताता है। तभी उसी वक्त चेंग का ईमेल आ जाता है उसके भाई को। होटल में प्लेस का एड्रेस था और ये बोल देता है। अर्ली ये बात सुन लेती है, जल्दी जल्दी होटल जाती है और चेंग को वहाँ का सिचुएशन से मई से किसी तरह बचा लेती है। मई वहाँ से लेकर के उसके घर जाती है। चेंग तो नशे में था पर उतना नशे में नहीं था कि वो पहचान न सके किसके साथ है। ली उसका फोटो वोटो लेती है और उसके साथ मस्ती करती है और फाइनली वो लोग रिलेशन में आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिन उठती है तो कुछ ज्यादा ही वो एम्बैरस्ड थी। उसे किस करने की कोशिश कर रहा था, तभी हमेशा की तरह
बीच में से उसका सिक्रेटरी आ जाता है। जब वो लीन को उसके घर में देखता है तो वो समझ जाता है कि दोनों फाइनली रिलेशनशिप में आ गए हैं। वो जाता है अपने भाई से बात करने के लिए कल वाला इंसिडेंट के बारे में। कांड बताता है उसका भाई बिना कुछ सोचे समझे बोले जा रहा है। उसका सिक्योरिटी से चुप भी कराता है, फिर वो चुप नहीं होता है। दोनों तो कपल की तरह आपस में ही चिपके हुए थे और उसका भाई को समझ में आया था अब तो ये मेरी भाभी बन ही चुकी है। चिंग जो है ली के सेफ्टी के लिए उसे ट्रैकर वाला इयररिंग उसे पहना देता है। अगर मैं फिर से उस पर अटैक करती है तो उसे पता चल जाएगा और शहर के अंदर कहीं भी रहेगी तो ट्रैकर से ट्रैक कर सकता है। ये दोनों बंदे को उनका रोमांस देखा नहीं जा रहा था। वो बोला था अरे यार तुम लोग जाओ अपने रूम में रोमांस करो ना। लिंक का बड़ा भाई था जो सुधरने वाला बिल्कुल नहीं था। वो ली के लिए एक पिंकी पूरा रूम डेकोरेट किया हुआ था। ऐसा क्यों लगता है कि लड़की है तो पिंक कलर ही पसंद आएगा। नेक्स्ट डे चेंग अपना लव गुरु से बातें कर रहा था। अब बोले तो वही से, पर उसे पता नहीं था कि एक्चुअली वही है। वो लोग आज मिलने का डिसाइड करते हैं। तभी वहाँ पर लिन आती है और मैसेज पढ़कर समझ जाती है कि कोई और नहीं वही है। वो नहीं चाहती थी कि वो जाने कि लव गुरु कोई और नहीं वही है। वो कैसे न कैसे करके उसको रोकने की कोशिश करती है। मिलने वाला थोड़ी था। वो लोग अम्यूजमेंट पार्क में मिलने का डिसाइड करते हैं। वहाँ पे पहले से ही वही उसका इंतजार कर रहा था। इधर जाके जेंग उसे रोकती है बहाना बना के। उसी तरफ चेंग को ली अपने घर लेकर जाती है। डैड का आज बर्थडे था ना, इसलिए वहाँ से उनको गिफ्ट वगैरह लेना था। आज के बर्थडे पार्टी में लिन चेंग को भी साथ चलने के लिए बोलती है। ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे तभी चेंग को ऑफिस से कॉल आ जाता है। चेंग ली को यहीं पे वेट करने के लिए बोलकर वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर बाद कोई ली के घर का नॉक करता है। जब वो जाती है देखने के लिए तभी हम देखते हैं कि दो बंदे मिलकर उसको किडनैप कर लेते हैं। फिर डैड ली का वेट करते जाते हैं लेकिन वो आती नहीं है। देर बाद सबको पता चल जाता है कि ली का किडनैप हो चुका है। यहाँ पर उसे लेके जा रहे थे और उसका इयररिंग खोलकर रास्ते में ही फेंक देते हैं। दोनों यहाँ पे चलाकी दिखाते हैं पर एक्चुअली वो दोनों थे बेवकूफ। थोड़े से पहली बार उन्होंने किसी का किडनैपिंग किया था। इमोशनल वाला ड्रामा करके पहले तो अपना आँख खुलवाती है सिचुएशन वहाँ का देख सके। इसके बाद वो उन्हें पैसों का लालच देती और बहाना से बोलती है मेरा फ्रेंड ऑनलाइन टेलीकास्ट करता है, उसे तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। उसका फोन ऑन करवा के लाइव टेलीकास्ट में मैसेज करवा देती है। यहाँ पे मैसेज जैसे ही वही को मिलता है तो वही और चेंग समझ जाते हैं जो है इन लोगों को हिंट दे रही है कि वो यहाँ पे है। वो लोग लिन को ढूंढने में लग जाते हैं। पर ये दोनों किडनैपर वेकूफ को समझ में आ जाता है कि उसने बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है तो पुलिस हमारा पता जान जाएगी। पहले तो अपना फोन तोड़ते फिर अपने बॉस को कॉल करके इस सब कांड के बारे में बताते हैं। वो बॉस अपने बॉस को कॉल करता है। वो बॉस फाइनली अपना मेन बॉस को माहो को फोन करता है। कहीं ना कहीं इस मैटर के पीछे माहो था ही। ये दोनों मिल करके ये सब काम किए थे। वो वहीं पे रखने के लिए उन लोगों को बोलते हैं। वो लोग किडनैपर डर जाते हैं कि अगर हम पुलिस पकड़ लिया तो हम लोग का बैंड बच जाएगा, इसलिए वो ली को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। लिन जाने से पहले अपने सैंडल से वहाँ पे कुछ निशान बना दी थी। उस हिंट के द्वारा ली को खोजने की कोशिश करने लगते हैं। वो दोनों मिलके लिन को लेकर जाते हैं माहो के पास। वो बोलते कि हमने हमारा काम कर दिया अब बस तुम मुझे पैसा दो। माहो तो उसे छोड़ने वाला था नहीं क्योंकि इस सब चीज में मैं ही भी इंक्लूड थी। माहो और लिंग आपस में बातें कर रहे होते हैं। बोलते कि तुमने अब तक तो कोई बड़ा काम किया नहीं था लेकिन तुमने अब मुझे किडनैप करके बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर लियो अपने लिए क्योंकि तुमको चेंग तो छोड़ने वाला है नहीं। टाइम है तुम्हारे पास, सुधर जा, तुम्हारा पनिशमेंट कम हो सकता है। लेकिन माहो का दिमाग तो खराब हो चुका था तो ली को जाने देने वाला था नहीं। ली भी अपना दिमाग लगा रही थी कि ये दोनों ढक्कनों के साथ पैसे का इतना जरूरत है। ली सोचती है कि दोनों ढक्कनों के साथ डील हो सकता है क्योंकि उसको बस पैसे का जरूरत है। जब वो लोग ली को लेकर जाते रहते हैं तभी अपना दिमाग लगाती है और उस किडनैपर को बोलती है कि ब्लूटूथ से ऑन कर मुझे गाना सुनना है और उनसे फोन ले लेती है और वो चेंग को कॉल कर देती है। जहाँ से गुजर रही थी ना उसको कोड लैंग्वेज से उसे सारा बता देती है लोकेशन। वो लोग मई के पास उसको लेकर जाते हैं। मैं तो उसे बदला लेना चाहती थी। पहले तो उसे बहुत ज्यादा थप्पड़ मारती है। इसके बाद वो वीडियो कॉलिंग करके चेंग को दिखाती है। मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या हालत कर दी हूँ, अगर तुम मुझे चूज किए होते तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। इसके बाद दोनों के बीच में थोड़ा सा फाइट उट होता है। मई जो होती है गुस्से में आकर बड़ा सा रॉड लेकर लिंग के सर पे मार देती है। लिंग जो होती है वहाँ पे बेहोश हो जाती है। तभी चेंग पुलिस लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है। मई को पुलिस के हवाले कर देता है और ली को अपने साथ घर लेकर आता है। नेक्स्ट डे ली को जब होश आता है तो अपने आप को अपने डैड के घर में देखती है। उसे एक्चुअली सब कुछ याद था। वो चेंग को परेशान करने के लिए थोड़ा नाटक करती है। वो बस चेंग के बारे में भूल गई, बाकी सबके बारे में उसको याद है। अब बेचारा चेंग जो होता है वो भी परेशान हो जाता है
जैसे वो पहले बोली थी कि मैं तुम्हारी फियांसी है, चेंग भी वही बोलता है कि मैं तुम्हारा फियांसी हूँ। उसे याद कराने का कोशिश करता है, पर ली थोड़ा और बहुत ड्रामा करने वाली है। इसके बाद ली के डैड आते हैं उसे बात करने के लिए। अब ली और इसके डैड का भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो बीच में था वो क्लियर हो चुका है। इतनी आसानी से हार मानने वाला तो था नहीं, वो सारा कपल वाला फोटो जो पहले लगा था वो सब लगा देता है। बैकयार्ड में भी प्यारा सा झूला लगाया हुआ था, वो सब जगह अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। फाइनली वो वहाँ पे उसको प्रपोज करता है शादी के लिए। ली को तो सब कुछ याद था ही, वो उसे हक कर लेती है और शादी के लिए मान जाती है। और वो लोग दूर से ही दूरमीन से ये लोग का रोमांस देखे जा रहे थे कि ये लोग प्रपोज किया कि नहीं प्रपोज किया। ली वो लोग जब एक दूसरे को किस करते हैं तो ये लोग को भी शांति मिलती है कि फाइनली कंप्लीट हो गया। लोग वहाँ से चले जाते हैं। हमारा ये वाला ड्रामा यहीं पे कंप्लीट होता है। बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोग के ड्रामा कैसा लगा। मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग कौन कौन है जो पूरा ड्रामा ही सुने मेरा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सारंगे।